हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है आरआरआर आर, 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 आर फिल्म के रिगार्डिंग में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं साथ ही में फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन है फिल्म की डिटेल है वो सभी मूवी के रिगार्डिंग जितनी भी क्रिएट हुई है वो भी बताऊँगा फिल्म की शूटिंग किस तरह से की गई थी स्क्रिप्टिंग कैसे की गई थी मूवी के कैरेक्टर को किस तरह से लिखा गया था एक्टर कौन किस तरह से कास्ट किया गया था इसके अलावा बॉक्स ऑफिस का जो डीप एनालिसिस है वो मैं दूंगा फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है उसको प्रिडिक्ट करके बताऊंगा कौन सा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है फिल्म का प्रॉपर ब्रेकडाउन करूंगा साथ ही मैं फिल्म से जुड़ी जितनी भी बातें वो भी शेयर करूंगा फिल्म के बजट के ऊपर भी बात करेंगे और ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको कहाँ पर हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल सकती है थिएटर थिएटर में कब तक हिंदी में देखने को मिल सकती है उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल दूंगा तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आर 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 जो इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक अपकमिंग मूवी है जिसको डायरेक्ट किया हुआ एस एस राजा मोहली ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा यानी कि किशन एस एस राजा मोहली का है इसके अलावा स्टोरी की बात करें तो वो लिखी हुई है के वी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के डायलॉग लिखे हुए साई माधव बुर्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे डी वी वी दनैया फिल्म के लीड कास्ट की बात कर ले तो एन टी आर रामा राव जूनियर साथ ही में रामचरण आलिया भट्ट अजय देवगन इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो संपंदन चतुर्वेदी ओलिश मोरिस समुथी रकानी एलिसन डूडी रहीश डेविसन श्रिया सरन अरुण सागर इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकला राहुल रामाकृष्णन ये सभी लोग भी देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिगार्डिंग और डीप टेक्निकल मामले में तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है के के सैंथिल कुमार ने एडिटिंग का देखने को मिलेगी श्रीकर प्रसाद की फिल्म का म्यूजिक सुनने को मिलेगा एम एम किरवानी का जो हर बार राजा मौली की फिल्मों के लिए म्यूजिक देते आ रहे हैं फिल्म की स्टोरी के लिए के विजेंद्र प्रसाद ही राजा मौली की फिल्मों की स्टोरी लिखते हैं इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डी एंटरटेनमेंट जिनको टी एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को डी बी धनैया ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए लाइका प्रोडक्शन ने तमिलनाडु के लिए इसके अलावा केवीएन प्रोडक्शन ने कर्नाटक के लिए ये एक प्रॉपर पेन इंडिया फिल्म है जिसके लिए सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं सभी लैंग्वेज में सभी राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है पांच मेन लैंग्वेज यानी कि इंडिया के लिए पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है जो है हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा इसके अलावा ये फिल्म दूसरी लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो इस फिल्म को फ़िलहाल के लिए सात जनवरी दो की डेट फिक्स की गई है थिएटर रिलीज के लिए वैसे तो फिल्म कई बार पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना के चलते लेकिन अब ये डेट फाइनल हो चुकी है तो आने वाले समय में ये फिल्म आपको सात जनवरी दो से थिएटर में देखने को मिल जाएगी इससे पहले इस फिल्म का टीजर और ग्लिम्स आ चुके हैं कैरेक्टर इंट्रो भी देखने को मिल चुका है अब फिल्म का फाइनल ट्रेलर आने वाला है जो पहले करीबन दिसंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला था लेकिन अब उसकी डेट थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया है इसके अलावा फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 400 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है फिल्म की पूरी शूटिंग तेलुगु लैंग्वेज में की गई है बाकी सभी वर्जन यानी कि तमिल मलयालम कन्नड़ा हिंदी इन सभी में डब किया गया है जिस तरह से बाहुबली को बनाया गया था ठीक उसी तरह से फिल्म को बनाया गया है फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा रखा गया है जिसकी वजह से बजट काफ़ी हाई देखने को मिलता है इसके अलावा फिल्म के जो कैरेक्टर है कास्टिंग है उसके रिगार्डिंग बात करें तो आपको एन टी आर रामा राव जूनियर जो कोमरम भीम के रोल में दिखाई देते हैं जो एक ट्रीबल लीडर थे ट्राइबल गोंड ट्राइबल लीडर थे तेलंगाना के लिए जिन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो लाइब्रेजेशन थे हैदराबाद स्टेट के उनके अगेंस्ट फाइट की हुई थी और उन्हीं का जो यंग वर्जन है यंग कोमराम भीम वो रोल प्ले कर रहे चक्री रामचरण जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है जिसका लो रोल है अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि वो अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले कर रहे जो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे साथ ही में ट्राइबल लीडर भी थे आंध्र प्रदेश के और वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान उनके तरफ फाइट की हुई थी वरुण बुद्धदेव जो यंग अल्लूरी सीतारामा राजू का रोल प्ले करेंगे अजय देवगन जिनका फिल्म एक एक्सटेंट कैमरियस देखने को मिलेगा जिनका फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितना रोल देखने सॉरी सात आठ मिनट जितना रोल देखने को मिलता है लेकिन वो रोल काफी इम्पोर्टेंट है एनटीआर टी जूनियर और रामचरण के ऊपर वाला कुछ कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर ये दोनों एक्टर यानी कि ये दोनों कैरेक्टर है जो कोमराम भीम और अल्वरी सीतारामा राजू उनके शायद गुरु भी हो सकते हैं या तो उनके उनके ऊपर के लीडर या उनके रोल मॉडल ऐसा कुछ तो दिखाया होगा फिल्म में आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले कर रही है उनका भी कैरेक्टर इंट्रो देखने को मिला था उनका लुक काफी बढ़िया नजर आ रहा है साथ ही में उनके रोल के ऊपर बात करें तो उनको करीबन पंद्रह मिनट तक का स्क्रीन प्रेजेंस मिला है फिल्म में क्योंकि यह फिल्म ज्यादातर कोम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू के ऊपर फोकस है जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा छोटा लिखा गया है स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम है स्पंदन चतुर्वेदी जो यंग सीता का रोल प्ले कर रही है जो आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले करे उनका यंग वाला वर्जन स्पंदन चतुर्वेदी उस रोल में दिखाई देती है ओलिविया मोरिस जो जेनिफर के रोल में दिखाई देती है उनका भी एक कैरेक्टर इंट्रो दिया गया था इसके अलावा समूति रकानी का रोल अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है एल्सन डूडी जो लेडी स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं, रे स्टेवसन जो स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं साथ ही में श्रिया सरन जिनका एक केम्यू है जो सरन के रोल में दिखाई देती है जिनका कैरेक्टर अजय देवगन के साथ सेट किया हुआ है वो हमें जन्नी गाने के दौरान पता चलता है उसका जो एक लिरिकल वीडियो आया था तब उनका भी फेस उस पर रिवील किया गया था अरुण सागर जिनका भी फिल्म अपीर है रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कना राहुल रामाकृष्णन इन जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं लेकिन अभी तक किसी का भी रोल इसमें से डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज होगी या ट्रेलर आएगा तब शायद उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है अदरवाइज जो एनटीआर रामा राव का कैरेक्टर है कोमरम भीम रामचरन का जो कैरेक्टर है अल्लूरी सीताराम राजू उनके ऊपर और थोड़ा डीप में पता चल सकता है ये एक फिक्सनल स्टोरी बताई जा रही है राजा मौली ने कहा है कि एक, एक फिक्शनल स्टोरी है जो दो लिजेंडरी रिवोल्यूशनर कैरेक्टर है उसके ऊपर एक फिक्सनल स्टोरी लिखी जा रही है हालांकि फिल्म की स्टोरी ट्रू इंसिडेंट से बेस्ड भी बताई जा रही है तो उनके घर से वो बाहर जब निकलते तो उनकी जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई गई है जहाँ पे वो कुछ... 1920 में अपनी कंट्री के लिए जो फाइट कर रहे जो एक क्रांतिकारी वाला किरदार है उस टाइप की फिल्म की स्टोरी रखी गई है जो फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था वो भी काफी अमेजिंग नज़र आ रहा था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार नजर आ रहा था इसके अलावा फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की बात करें तो अक्टूबर दो एक इंटरव्यू के दौरान एसएस राजा मौली ने अनाउंस किया था यानी कि अपना सेकंड प्रोजेक्ट बाहुबली टू कंक्लूजन जिसके प्रोड्यूसर डीवीवी एंटरटेनमेंट और के नारायण थे जो बाहुबली टू के बाद जो दो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे उसके लिए ये प्रोड्यूसर सेट है, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया था फिल्म का नाम प्रॉपर अभी तक रिवील नहीं हुआ था उसके बाद वो बोल रहे थे कि वो एक सोशल ड्रामा फिल्म बनाने वाले है जो नारायण के प्रोडक्शन के नीचे महेश बाबू के साथ बनेगी जो नवम्बर दो में राजा मौली ने एन टी आर रामा राव जूनियर और रामचरण चरण के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट शेयर की हुई थी और उन्होंने एक हिंट दी कि वो इनके साथ फिल्म करने वाले उसके बाद फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो मार्च 2018 को की की गई थी और फिल्म को टेंटेटिव टाइटल है वो आर 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 दिया गया था के वी विजय प्रसाद जिन्होंने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी हुई है और राजा मौली ने फिल्म की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले को बनाया हुआ है जिसके लिए फिल्म के इन सभी चीज़ों के लिए छः महीने एक्स्ट्रा लगे थे सितंबर 2018 का महीना तब साई माधव बुर्रा ने फिल्म के डायलॉग्स के लिए प्रोजेक्ट को साइन किया हुआ था उन्होंने पहले प्राइमरी जो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज उसके लिए डायलॉग लिखे थे इसके अलावा जो दूसरे वर्जन है जैसे कि तमिल वर्जन उसके लिए माधई कार्कि ने डायलॉग लिखे हुए है वर्धा राजू चिक्का बल्लापुरा जिन्होंने कन्नडा वर्जन के लिए डायलॉग लिखे हुए है साथ ही में ममोकोबू गोपाल कृष्णन जिनको मलयालम वर्जन के लिए चूज किया गया था और रिया मुखर्जी जिनको हिंदी वर्जन के लिए चूज किया गया था और उसके बाद राजा मौली ने अपने जो पहले के प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निकन थे जो सिनेमेटोग्राफर है म्यूजिशियन है उन्हीं को इस फिल्म में लिया गया है वो ज़्यादातर कंसिस्टेंटली अपने सभी क्रू और कास्ट और टीम मेंबर के साथ टेक्नीशियन के साथ काम करते हुए नजर आए जैसे कि एमएम एम किरवानी जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा से रहे के के सेंथिल कुमार जो हमेशा से डी यानी कि सिनेमेटोग्राफर का काम करते हुए नजर आते श्रीकार प्रसाद जो फिल्म हमेशा एडिट करते हुए नजर आते साबू श्रेलिक जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पे दिखाई देंगे वी श्रीनिवास मोहन जो विजुअल इफेक्ट सुपरविज़न करते हुए दिखाई देते हैं साथ ही में रामा राजा मोली जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के, के लिए काम करते निक पोवेल जो स्टंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी जो कोरियोग्राफी है जो सेक्शन सीक्वेंस है उसके लिए भी उनको ही चूज किया गया है तो इस फिल्म के लिए जितने भी जो टेक्नीशियन है जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादातर राजा मौली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ तक कि फिल्म के जो एक्टर है एन टी आर रामा राव जूनियर रामचरण वो भी पहले काम कर चुके हैं जहाँ पर रामचरण के आपको आपने मगधीरा भी देखी होगी अजय देवगन के साथ उन्होंने मक्खी में काम किया हुआ था काम मतलब कि अजय देवगन का एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है मक्खी फिल्म में तो यानी कि राजा मौल्य अपने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ ही में टेक्निशियन उन सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए ज़्यादा नज़र आते और उनका जो विजन है वो काफ़ी हाई लेवल वाला है जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बजट वाला बनता है ख़ास करके जब से बाहुबली सीरीज़ आई उसके बाद उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को काफ़ी ध्यान रहता है अब बात कर लेते हैं फिल्म के डेवलपमेंट की थोड़े आगे की तो फिल्म का जो प्रोडक्शन है रामा राव जूनियर और चरण के साथ एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया गया था यानी जब फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया था मिड अक्टूबर 2018 को जहां पे रामा राव और चरण का जो कैरेक्टर है उनको वो डीप में समझाने के लिए साथ ही में उनको एक फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए अपने रोल के लिए किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है वो डीपली सभी मिलकर एक मीटिंग और एनालिसिस करके उस जो वर्कशॉप है उसके थ्रू कैरेक्टर को पकड़ते उस चीज के लिए वो टाइम दिया गया था उसके बाद मार्च 2019 हज़ार पे राजा मोली ने रिवील किया हुआ था कि फ़िल्म का जो को और आइडिया है जो बेसिक लाइन है वो द मोटरसाइकिल डायरी से दो जो दो हज़ार चार की मूवी है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर नज़र आ सकता है और उनके जो उन्होंने पहले भी ऐसी बात बताई हुई है कि उनकी जो फिल्में हैं उसमें जो फाइट सीक्वेंस होते हैं जो कुछ कैरेक्टर है वो हॉलीवुड मूवी से ज़्यादातर इंस्पायर होकर बनाते रहते हैं और उनका जो कैरेक्टर है छीट उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिवोल्यूशन वाला है जिसको गेरा का नाम दिया हुआ है उन सभी कैरेक्टर के जो प्रोटोगन के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो सभी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिल सकती है द मोटरसाइकिल डायरीज और आरआरआर के बीच में इसके अलावा चरण और रामचरण एन उनका जो यंगर वर्जन है जो अल्लूरी रामा रजू और कोमरम भीम का जो एंगर वर्जन है उसके लिए बाद में कुछ पोपलॉट लिखा हुआ था जिसको दिल्ली में एक्सप्लोर किया जाएगा नाइनटीन के दौरान और उस फाइट के दौरान कंट्री के लिए जो फाइट होने वाली थी उसके साथ में जो स्टोरी की जो एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करा हुआ है वो प्रॉपर वे में उन्होंने सेट किया हुआ है उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिटेलिंग दी हुई थी इसके अलावा जो ये तेलुगु ट्राइबल लीडर है उनके अराउंड जितनी भी घटनाएं घटी हुई है बचपन से अभी लेक अभी तक लेकर उन सभी चीज़ों के ऊपर वो डीप स्क्रिप्टिंग करने वाले ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी और उनके जो कैरेक्टर है उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ी डिटेल हुई थी दी हुई थी और उन्होंने कहा है कि ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया हुआ है अब उनका नाम टेंटेटिव आर 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 रखा हुआ है और उसके बाद राजा मौली ने ऑफिशियल टाइटल अनाउंस करते हुए कहा कि यूनिवर्सल टाइटल इस फिल्म का लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा जिसके लिए फिल्म बड़े स्केल पे एक ही नाम के साथ रिलीज की जाएगी कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तेलगु लैंग्वेज में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उनकी पहली तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट कास्ट की गई है वो कास्टिंग की जो अनाउंसमेंट होती है तब कहा गया था जहाँ पे वो सीता का रोल प्ले कर रही है अजय देवगन का एक एक्सटेंड कैम्यू अपेरेंस देखने को मिलेगा जिस तरह से मैंने आपको कहा सात आठ मिनट जितना रोल है इसके अलावा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो भी उन्होंने अनाउंस के दौरान कहा था तमिल एक्टर समुथी रकानी उनको एक क्रिशल रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद कुछ समय के बाद डेजी ए जोन्स को फिल्म के एक ब्रिटिश एक्टर वो ब्रिटिश एक्टर है उनको रामा राव के अगेंस्ट यानी कि उनके अपोजिट कास्ट किया गया था लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते अप्रैल 2019 में वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद ओलिविया मोरिस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नवंबर 2019 को साइन किया गया था और उसी में ने हॉलीवुड के एक्टर रेश टिवटर जिन्होंने थोर में काम किया हुआ है उनको मेन एंटागोनिस्ट जो स्कॉट वाला किरदार है विलन का किरदार है उसके लिए कास्ट किया गया था और उनके साथ एलिसन डूडी को भी एक लेडीज को उनको लेडीज स्कॉट के रोल के लिए कास्ट किया गया था उसके बाद चक्री वरुण बुद्धा देवस पंदन चतुर्वेदी जो एक जो सभी चाइल्ड आर्टिस्ट है और उन्होंने रामचरण एन टी आर भट्ट के यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर भट के, के, के लिए कास्ट किया गया था और डेडलाइन हॉलीवुड के जो इंटरव्यू आया था उसके दौरान एन टी ने अनाउंस किया था कि वो उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने उसमें बात की हुई थी को मेजर रिसर्च करके पोर्ट्रे कर रहे हैं जिसके लिए उनको उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने में और आसानी हो और अपना जो फिजिकल अपीरेंस है उसको क्रिएट करने में उनको अट्ठारह महीने लगे हुए थे जून दो जून दो को कुछ रिपोर्टर्स ने क्लेम किया था कि अजय देवगन इस फिल्म में नेशनलिस्ट और मेंटर के तौर पे दिखाई देंगे जो कौमरम भीम और अल्लोरी सीताराम राजा रामाजू के नेशनलिस्ट और गुरु मेंटर के रोल में दिखाई देने वाले हैं हंस इंडिया जो एक जिन्होंने रिपोर्ट दी हुई थी कि अजय देवगन सेकंड हाफ में फिल्म के फ्लैशबैक के एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं और उनका स्क्रीन टाइम करीबन 40 मिनट का हो सकता है और उसके बाद कीर्ति सुरेश और प्रिया मनी को कुछ रोल के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद श्रिया सरन को कास्ट किया गया था जून 2020 में वो कंफर्म हो चुका था इसके बाद अजय देवगन आलिया भट्ट एस एस राजा मोली आरआरआर आर आर के लिए जो जुलाई 2020 में फिल्म को रिलीज करने वाले थे उनके लिए सभी चीज इन सभी कास्ट को बता दिया गया था कि ये फिल्म इस तो मौके पे आने वाले तो फिल्म की शूटिंग उस टाइप की कंप्लीट करवाने वाले इसके अलावा बाद में राहुल कृष्णन, छत्रपति शेखर राजीव कनाकला को कुछ सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद फिल्म की डिजाइनिंग प्रोडक्शन डिजाइनिंग के ऊपर काम किया गया और एक प्रॉपर फर्स्ट शेड्यूल फिल्म का सेट किया गया जो हैदराबाद में था जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस भी शूट किया गया था इसके अलावा मधुवा हाउस में कुछ सिक्वेंस के लिए कुछ एक्टर टेक्नीशियन के साथ वहाँ पे काम किया गया था इसके अलावा पाँच मिनट का एक की सीन है उसको भी टेक्नीशियन के थ्रू वहाँ फिल्माया गया था राजा मौली का एक नया ऑफिस है वहाँ पे कुछ क्रू मेंबर के साथ एक लंबी डिस्कशन चली थी कि वो फिल्म का जो प्लॉट है वो जो हाउस है उसके रिगार्डिंग किस तरह से शूटिंग करने वाले इसके बाद जून 2020 में अठारह करोड़ का खर्चा करके एक सेट क्रिएट किया गया था जहां पर एक प्रॉपर विलेज क्रिएट किया गया था लेकिन कोविड 19 के सिचुएशन के चलते वो सभी सिक्वेंस को शूट करने के लिए पोस्टपोन किया गया और उसके बाद रामाजी सीम सिटी है वहाँ पे दिल्ली का जो ट्वेंटी सेंचुरी की दिल्ली है उसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेट किया क्रिएट किया गया था जिसको बनाने के लिए टोटल पचास दिन का टाइम लगा था और उसके बाद एक्शन शेड्यूल सेट किया गया था जिसमें कुछ नाइट शूट्स भी सेट किए गए थे जिसके लिए काफ़ी ह्यूज सेट क्रिएट किया गया था जहाँ पे डायरेक्टर क्रू मेम्बर कुछ सॉन्ग की शूटिंग के लिए रामचरण और भट्ट के साथ अलिया भट्ट के साथ जो शूटिंग थी उसके लिए एक प्रॉपर सेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसको काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक जो दोस्ती गाना है जिसको जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात कर ग्यारह नवंबर 2018 को फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े सितारे जैसे प्रभास राणा दगुपति जो बाहुबली फ्रेंचाइज में दिखाई दिए थे वो प्रिंसिपल फोटोग्राफी के यानी पूजा सेरोमनी के दौरान दिखाई दिए थे इसके अलावा फ़िल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया गया है जहाँ पे वडोदरा वडोदरा में भी फिल्म को शूट किया गया था हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था करीबन एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्म में हज़ार आर्टिस्ट का यूज़ किया गया था जो फरवरी 2019 में जो शूट हुआ था तब के समय उसके बाद फिल्म का कुछ चीज़ थी जो जो सीक्वेंस थे उसके लिए वडोदरा में फिल्म में फिल्माया गया था उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में कुछ सीन को शूट किया गया था इसके अलावा एनटीआर को कुछ छोटी मोटी इंजरी फिल्म में दिखाई दी थी जहाँ पे तो उसके चलते फिल्म के शेड्यूल को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो आरआरआर का जो साउंड ट्रैक है उसको इसको क्रिएट किया हुआ एमएम किरवानी ने और अन्नपूर्णा स्टूडियो के नीचे इसको प्रोड्यूस किया गया था जिसको टी सीरीज़ हिंदी वर्जन में लेबल कर रही है इसके अलावा उसका लहरी म्यूज़िक तेलुगु वर्जन को ले, लेबल कर रहा है सभी वर्जन के लिए सभी अलग अलग आपको सिंगर और लिरिक आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं और सभी वर्जन के लिए तीन तीन गाने अभी तक रिलीज करवाए गए जहाँ पे तेलुगु वर्जन की बात करें तो दोस्ती जिसका लिरिक्स लिखा हुआ श्रीनी वेदला सीताराम शास्त्री ने सिंगर थे वेदला हेमाचंद्र लिरिक्स यानी कि गाने की जो लेंथ थी वो थी पाँच मिनट चालीस सेकंड वहीं पे नाटू नाटू जो दूसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है चंद्र बोस ने सिंगर थे राहुल सिपलिंगजा और काला भैरव और गाने की लेंथ थी तीन मिनट चौंतीस सेकंड चन्नी जो तीसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है एम एम किरवानी जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है गाया भी उन्होंने ये एम एम किरवानी ने गाने की लेंथ है तीन मिनट आठ सेकंड इस तरह से बारह मिनट और तेईस सेकंड के सभी वर्जन के आपको गाने सुनने को मिलेंगे साउंड ट्रैक अभी तक बारह मिनट तेईस सेकंड का लॉन्च किया गया है इसके अलावा फिल्म को फाइनली सात जनवरी दो के लिए शेड्यूल करवाया गया है जहां पे आपको ये फिल्म सभी वर्जन में देखने को मिलेगी यानी कि तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में देखने को मिलेगी जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज है बाकी सब डब वर्जन है ये फिल्म पहले 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फरवरी 2020 में फिल्म को पोस्टपोन किया गया जहां पे 8 जनवरी 2021 को संक्रांति के मौके पर फिल्म के रिलीज डेट फाइनल की गई थी लेकिन नवंबर दो हजार में राजा मोहली ने फिर से फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि फिल्म की शूटिंग के वक्त थोड़े बहुत चीजें कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूट नहीं हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी लेट हो रही तो फिल्म थोड़ी लेट रिलीज की जाएगी बाद में पाँच पच्चीस जनवरी दो को रिपब्लिक डे के

जहाँ पे फिल्म तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम कन्नड़ा सभी डब वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा दूसरी इंडियन लैंग्वेज और फॉरन लैंग्वेज में भी ये फिल्म डब करके रिलीज़ की जाएगी फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस चार करोड़ बताया जा रहा है फिल्म को प्री रिलीज डील की हुई जो टोटल कुछ रिवील हुए वो 890 करोड़ है जो अभी तक इंडियन फिल्मों में जितनी भी फिल्में उसमें हाईएस्ट है डोमेस्टिक थिएटिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है उस रीजन के लिए एक करोड़ में उसके राइट्स बेचे गए जो फरवरी 2021 को पता चला हुआ था उसके बाद लाइका प्रोडक्शन जिन्होंने तमिल वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया हुआ है थिएटिकली उन्होंने 48 करोड़ इस फिल्म की प्राइस से दी हुई है इसके अलावा पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए जो राइट्स खरीदे हुए पेन मरुधार एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे उन्होंने इस फिल्म के सैटेलाइट डिजिटल राइट्स सभी वर्जन के लिए खरीदे हुए तो नॉर्थ इंडिया थिएटिकल राइट्स उन्होंने 140 करोड़ में खरीदे हुए केरला और कर्नाटका जहाँ पे मलयालम और का में कन्नड़ा और लैंग्वेज चलती है उस वर्जन के लिए जो थिएटिकल राइट्स है वो केरला के लिए 15 करोड़ और कर्नाटक के लिए 45 करोड़ में बेचे गए थे इसके अलावा और जो राइट्स है फिल्म के रिगार्डिंग उसको फ्रांस फिल्म को बेचे गए जिसका टोटल सत्तर करोड़ में बेचे गए फिल्म की मार्केटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें अलग अलग अपनाई जा रही है जहाँ पे राइज रोल रिवर्ल्ड के नाम से फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा और साथ ही में सभी वर्जन के लिए अलग अलग कुछ नाम सामने आए थे और एक प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन जैसा कुछ उन्होंने शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया हैंडल पे के आरआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है उसके बाद राइज वॉल्ट राइज रोअर रिवॉल्ट फिल्म का नाम सेट किया गया था और उसके बाद 2021 मई में पेन स्टूडियो ने अनाउंस किया हुआ था कि तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा सभी के जो राय डिजिटल राइट्स से जी फाइव को बेचे गए हिंदी इंग्लिश पोर्टोगीज कोरियन तर्की स्पेनिश वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे गए इसके अलावा जी नेटवर्क ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए स्टार इंडिया नेटवर्क ने इस फिल्म के राइट्स तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन के लिए खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के कंबाइंड डील की गई है जहां पे पोस्ट थ्रेटिकल जो स्ट्रीमिंग राइट्स से, है सेटेलाइट राइट्स से, है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से तीन करोड़ में भेजे गए इसके अलावा फिल्म के कुछ कैरेक्टर इश्यू भी किए हुए थे और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बाद में उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया था अब देखने वाली बात यह है कि 400 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने पहले ही प्री बिजनेस इतना कर लिया है तो अब थिएटर में बाहुबली की जैसी फिल्मों को हिट करवाने वाले डायरेक्टर राजा मोलिए साथ ही है, साथी में बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सुपरस्टार अजय देवगन सुपरस्टार जूनियर एन टी आर रामचरण ऐसे एक्टर देखने को मिल रही है तो ये फिल्म चार सौ करोड़ के बजट में बनी कम से कम हज़ार करोड़ तो कमा सकती है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये फिल्म आपको कैसे और कितना का बिजनेस करके देती है अगर फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म काफ़ी बढ़िया बिजनेस करेगी और अभी तक राजा मौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उनकी अभी तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फिल्म का प्री बिजनेस काफ़ी हाई है अब बात करें इस फिल्म के रिगार्डिंग और डिटेलिंग दूँ तो इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जैसे कि मैंने बताया कि जी ने खरीदा हुआ है तो जी सिनेमा पे यह फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है टेलीविजन पे इसके बाद हिंदी डब वर्जन नेटफ्लिक्स के पास ओ राइट तो राइट्स है तो पहले उससे पहले ओ राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है इस वजह से थिएटरिकल रिलीज़ के बाद करीबन एक महीने के बाद ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के जो ओ टी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हिंदी डब वर्जन में फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी और रिस्पेक्टिवली दूसरे दूसरे लैंग्वेज में ये फिल्म भी जिसके जो तेलुगु तमिल कन्नडा और मलयालम राइट्स है वो स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए हैं तो उनकी टीवी चैनल पे रिलीज हो गए उसके बाद वो टी -टी, उनका जो हॉटस्टार है उस पर भी ये फिल्म देखने को मिलेगी दूसरे कुछ वर्जन है इंटरनेशनल वर्जन वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगे तो कहां पे और कब कैसे रिलीज होगी उसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है आर 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 जो इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक अपकमिंग मूवी है जिसको डायरेक्ट किया हुआ एस एस राजा मोहली ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा यानी कि स्क्रीन प्ले डिरेक्शन एस एस राजा मौली का है इसके अलावा स्टोरी की बात करें तो वो लिखी हुई है के वी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के डायलॉग लिखे हुए साई माधव बुर्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे डी वी वी दनैया फिल्म के लीड कास्ट की बात कर ले तो एन टी आर रामा राव जूनियर साथी में रामचरण आलिया भट्ट अजय देवगन इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो संपंदन चतुर्वेदी ओलिवस मोरिस समूथी रकानी एलिसन डूडी रेस टेविसन श्रिया सरन अरुण सागर इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकाला राहुल रामाकृष्णन ये सभी लोग भी देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिगार्डिंग और डीप टेक्निकल मामले में तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है के के सैंथिल कुमार ने एडिटिंग का देखने को मिलेगी श्रीकर प्रसाद की फिल्म का म्यूजिक सुनने को मिलेगा एम एम किरवानी का जो हर बार राजा मोली की फिल्मों के लिए म्यूजिक देते आ रहे हैं फिल्म की स्टोरी के लिए के विजेंद्र प्रसाद ही राजा मोली की फिल्मों की स्टोरी लिखते हैं इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डी एंटरटेनमेंट जिनको टी एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को डी बी ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए लाइका प्रोडक्शन ने तमिलनाडु के लिए इसके अलावा केवीएन प्रोडक्शन ने कर्नाटक के लिए ये एक प्रॉपर पेन इंडिया फिल्म है जिसके लिए सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं सभी लैंग्वेज में सभी राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है पांच मेन लैंग्वेज यानी कि इंडिया के लिए पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है जो है हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा इसके अलावा ये फिल्म दूसरी लैंग्वेजों में भी देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो इस फिल्म को फिलहाल के लिए सात जनवरी दो की डेट फिक्स की गई है थिएटर रिलीज़ के लिए वैसे तो फिल्म कई बार पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना के चलते लेकिन अब ये डेट फाइनल हो चुकी है तो आने वाले समय में ये फिल्म आपको 7 जनवरी 2022 से थिएटर में देखने को मिल जाएगी इससे पहले इस फिल्म का टीजर और ग्लीम्स आ चुके हैं कैरेक्टर इंट्रो भी देखने को मिल चुका है अब फिल्म का फाइनल ट्रेलर आने वाला है जो पहले करीबन दिसंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला था लेकिन अब उसकी डेट थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया है इसके अलावा फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 400 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है फिल्म की पूरी शूटिंग तेलुगु लैंग्वेज में की गई है बाकी सभी वर्जन यानी कि तमिल मलयालम कन्नड़ा हिंदी इन सभी में डब किया गया है जिस तरह से बाहुबली को बनाया गया था ठीक उसी तरह से फिल्म को बनाया गया है फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा रखा गया है जिसकी वजह से बजट काफ़ी हाई देखने को मिलता है इसके अलावा फिल्म के जो कैरेक्टर है कास्टिंग है उसके रिगार्डिंग बात करें तो आपको एन टी आर रामा राव जूनियर जो कोमरम भीम के रोल में दिखाई देते हैं जो एक ट्रीबल लीडर थे ट्राइबल गोंड ट्राइबल लीडर थे तेलंगाना के लिए जिन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो लाइब्रेजेशन थे हैदराबाद स्टेट के उनके अगेंस्ट फाइट की हुई थी और उन्हीं का जो यंग वर्जन है यंग कोमराम भीम वो रोल प्ले कर रहे चक्री रामचरण जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है जिसका रोल है अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि वो अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले कर रहे जो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे साथ ही में ट्राइबल लीडर भी थे आंध्र आंध्र प्रदेश के और वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान उनके तरफ फाइट की हुई थी वरुण बुद्धा देव जो यंग अल्लूरी सीतारामा राजू का रोल प्ले करेंगे अजय देवगन जिनका फिल्म एक एक्सटेंड एक केम्योपीरियस देखने को मिलेगा जिनका फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितना रोल देखने सॉरी सात आठ मिनट जितना रोल देखने को मिलता है लेकिन वो रोल काफी इंपॉर्टेंट है एन टी आर रामा जूनियर और रामचरण के ऊपर वाला कुछ कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर ये दोनों एक्टर यानी कि ये दोनों कैरेक्टर है जो कोम भीम और अल्वरी सीता राजू उनके शायद गुरु भी हो सकते हैं या तो उनके उनके ऊपर के लीडर या उनके रोल मॉडल ऐसा कुछ तो दिखाया होगा फिल्म में आलिया भट्ट जो सीता का प्ले कर रही है उनका भी कैरेक्टर इंट्रो देखने को मिला था उनका लुक काफी बढ़िया नजर आ रहा है साथ ही में उनके रोल के ऊपर बात करें तो उनको करीबन पंद्रह मिनट तक का स्क्रीन प्रेजेंस मिला है फिल्म में क्योंकि ये फिल्म ज्यादातर कोमराम भीम और अल्वरी सीतारामा राजू के ऊपर फोकस है जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा छोटा लिखा गया है स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम है स्पंदन चतुर्वेदी जो यंग सीता का रोल प्ले कर रही है जो आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले करे, उनका यंग वाला वर्जन स्पंदन चतुर्वेदी उस रोल में दिखाई देती है ओलिविया मोरिस जो जेनिफर के रोल में दिखाई देती है उनका भी एक कैरेक्टर इंट्रो दिया गया था इसके अलावा समूति रकानी का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है एल्सन डूडी जो लेडी स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं रे स्टेविंसन जो स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं साथ ही में श्रिया सरन जिनका एक केमी अपीरियंस है जो सरनि के रोल में दिखाई देती है जिनका कैरेक्टर अजय देवगन के साथ सेट किया हुआ है वो हमें जन्नी गाने के दौरान पता चलता है उन उसका जो एक लिरिकल वीडियो आया था तब उनका भी फेस उस पर रिवील किया गया था अरुण सागर जिनका भी फिल्म कैम्यू अपीरियंस है रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है छत्रपति शेखर राजीव कना राहुल रामाकृष्णन इन जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं लेकिन अभी तक किसी का भी रोल इसमें से डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज होगी या ट्रेलर आएगा तब शायद उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है अदरवाइज एन टी आर राव का कैरेक्टर है कोमरम भीम रामचरण का जो कैरेक्टर है अल्लूरी उनके ऊपर और थोड़ा डीप में पता चल सकता है ये एक फिक्सनल स्टोरी बताई जा रही है राजा मौली ने कहा है कि फिक्शनल स्टोरी है जो दो लेजेंडरी रिवोल्यूशनर कैरेक्टर है उसके ऊपर एक फिक्सनल स्टोरी लिखी जा रही है हालांकि फिल्म की स्टोरी ट्रू इंसिडेंट से बेस्ड भी बताई जा रही है तो उनके घर से वो बाहर जब निकलते तो उनकी जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई गई है जहाँ पे वो उन्नीस में अपनी कंट्री के लिए जो फाइट कर रहे जो एक क्रांतिकारी वाला किरदार है उस टाइप की फिल्म की स्टोरी रखी गई है जो फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था वो भी काफी अमेजिंग नज़र आ रहा था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार नजर आ रहा था इसके अलावा फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की बात करें तो अक्टूबर 2017 एक इंटरव्यू के दौरान एस राजा मौली ने अनाउंस किया था यानी कि अपना सेकंड प्रोजेक्ट बाहुबली टू कंक्लूजन जिसके प्रोड्यूसर डी वी वी एंटरटेनमेंट और के एल नारायण थे जो बाहुबली टू के बाद जो दो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे उसके लिए ये प्रोड्यूसर सेठ ऐसा उन्होंने अनाउंस किया था फिल्म का नाम प्रॉपर अभी तक रिवील नहीं हुआ था उसके बाद वो बोल रहे थे कि वो एक सोशल ड्रामा फिल्म बनाने वाले है जो नारायण के प्रोडक्शन के नीचे महेश बाबू के साथ बनेगी जो नवम्बर दो में राजा मौली ने एन टी आर रामा राव जूनियर और रामचरण चरण के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट शेयर की हुई थी और उन्होंने एक हिंट दी कि वो इनके साथ फिल्म करने वाले उसके बाद फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो मार्च 2018 को की की गई थी और फिल्म को टेंटेटिव टाइटल है वो आर 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 दिया गया था के वी विजया प्रसाद जिन्होंने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी हुई है और राजा मौली ने फिल्म की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले को बनाया हुआ है जिसके लिए फिल्म के इन सभी चीज़ों के लिए छः महीने एक्स्ट्रा लगे थे सितंबर 2018 का महीना तब साई माधव बुर्रा ने फिल्म के डायलॉग्स के लिए प्रोजेक्ट को साइन किया हुआ था उन्होंने पहले प्राइमरी जो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज उसके लिए डायलॉग लिखे थे इसके अलावा जो दूसरे वर्जन है जैसे कि तमिल वर्जन उसके लिए माधवी कार्की ने डायलॉग लिखे हुए है वर्धा राजू चिक्का बल्लापुरा जिन्होंने कन्नडा वर्जन के लिए डायलॉग लिखे हुए साथ ही में ममोकोबू गोपाल कृष्णन जिनको मलयालम वर्जन के लिए चूज किया गया था और रिया मुखर्जी जिनको हिंदी वर्जन के लिए चूज किया गया था और उसके बाद राजा मौली ने अपने जो पहले के प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निशियन थे जो सिनेमेटोग्राफर है म्यूजिशियन है उन्हीं को इस फिल्म में लिया गया है वो ज़्यादातर कंसिस्टेंटली अपने सभी क्रू और कास्ट और टीम मेंबर के साथ का टेक्नीशियन के साथ काम करते हुए नजर आए है जैसे कि एमएम एम किरवानी जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा से रहे के के सैंथल कुमार जो हमेशा से डीओपी यानी कि सिनेमेटोग्राफर का काम करते हुए नजर आते हैं श्रीकार प्रसाद जो फिल्म हमेशा एडिट करते हुए नजर आते साबू सरेली जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पे दिखाई देंगे वी श्रीनिवास मोहन जो विजुअल इफेक्ट सुपरविजन करते हुए दिखाई देते हैं साथ ही में रामा राजा मोली जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के, के लिए काम करते निक पोवेल जो स्टंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी जो कोरियोग्राफी है जो, जो क्लाइम सीक्वेंस है उसके लिए भी उनको ही चूज किया गया है तो इस फिल्म के लिए जितने भी जो टेक्नीशियन है जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादातर राजा मौली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ तक कि फिल्म के जो एक्टर है एन टी आर रामा राव जूनियर रामचरण वो भी पहले काम कर चुके हैं जहाँ पर रामचरण की भग, आपको आपने मगधीरा भी देखी होगी अजय देवगन के साथ उन्होंने मक्खी में काम किया हुआ था काम मतलब कि अजय देवगन का एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है मक्खी फिल्म में तो यानी कि राजा मौली अपने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ ही में टेक्नीशियन उन सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए ज़्यादा नजर आते हैं और उनका जो विज़न है वो काफ़ी हाई लेवल वाला है जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बजट वाला बनता है ख़ास करके जब से बाहुबली सीरीज़ आई उसके बाद उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को काफ़ी ध्यान रहता है अब बात कर लेते फिल्म के डेवलपमेंट की थोड़े आगे की तो फिल्म का जो प्रोडक्शन है रामा राव जूनियर और चरण के साथ एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया गया था नहीं जब फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया था मिड अक्टूबर 2018 को जहाँ पर रामाव और चरण का जो कैरेक्टर है उनको वो डीप में समझाने के लिए साथ ही में उनको एक फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए अपने रोल के लिए किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है वो डीपली सभी मिलकर एक मीटिंग और एनालिसिस करके उस जो वर्कशॉप है उसके थ्रू कैरेक्टर को पकड़ते उस चीज़ के लिए वो टाइम दिया गया था उसके बाद मार्च 2019 हज़ार उन्नीस जहाँ पे राजा मोली ने रिवील किया हुआ था कि फिल्म का जो कोर आइडिया है जो बेसिक लाइन है वो द मोटरसाइकिल डायरी दो जो जो दो की मूवी है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर नज़र आ सकता है और उनके जो के, उन्होंने पहले भी ऐसी बात बताई हुई है कि उनकी जो फिल्में हैं उसमें जो फाइट सीक्वेंस होते हैं जो कुछ कैरेक्टर है वो हॉलीवुड मूवी से ज़्यादातर इंस्पायर होकर बनाते रहते हैं और उनका जो कैरेक्टर है छीट उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिवोल्यूशन वाला है जिसको गयूरा का नाम दिया हुआ है उन सभी कैरेक्टर के जो प्रोटोगनस के लिए जो एक कॉमन पॉइंट है वो सभी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिल सकती है द मोटरसाइकिल डायरीज और आरआरआर के बीच में इसके अलावा चरण और रामचरण एन टी आर उनका जो यंगर वर्ज़न है जो अल्लूरी रामा रजू और कोमरम का जो एंगर वर्ज़न है उसके लिए बाद में कुछ पोपलॉट लिखा हुआ था जिसको दिल्ली में एक्सप्लोर किया जाएगा नाइन्टीन ट्वेंटीज़ के दौरान और उस फाइट के दौरान कंट्री के लिए जो फाइट होने वाली थी उसके साथ में जो स्टोरी की जो एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करा हुआ है वो प्रॉपर वे में उन्होंने सेट किया हुआ है उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिटेलिंग दी हुई थी इसके अलावा जो ये तेलुगु ट्राइबल लीडर है उनके अराउंड जितनी भी घटनाएं घटी हुई है बचपन से अभी लेक अभी तक लेकर उन सभी चीज़ों के ऊपर वो डीप स्क्रिप्टिंग करने वाले ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी और उनके जो कैरेक्टर है उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ी डिटेल हुई थी दी हुई थी और उन्होंने कहा है कि ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया हुआ है अब उनका नाम टेंटेटिव आर 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 रखा हुआ है और उसके बाद राजा मौली ने ऑफिशियल टाइटल अनाउंस करते हुए कहा कि यूनिवर्सल टाइटल इस फिल्म का लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा जिसके लिए फिल्म बड़े स्केल पे एक ही नाम के साथ रिलीज की जाएगी कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उनकी पहली तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट कास्ट की गई है वो कास्टिंग की जो अनाउंसमेंट होती है तब कहा गया था जहाँ पे वो सीता का रोल प्ले कर रही है अजय देवगन का एक एक्सटेंड केमियो अपीरेंस देखने को मिलेगा जिस तरह से मैंने आपको कहा सात आठ मिनट की जितना रोल है इसके अलावा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है वो भी उन्होंने अनाउंस के दौरान कहा था तमिल एक्टर समुथी रकानी उनको एक क्रिशल रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद कुछ समय के बाद डेजी ए जोन्स को फिल्म के एक ब्रिटिश एक्टर वो ब्रिटिश एक्टर है उनको रामा राव के अगेंस्ट यानी कि उनके, उनके अपोजिट कास्ट किया गया था लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते अप्रैल 2019 में वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद ओलिविया लिविया मोरिस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नवंबर 2019 को साइन किया गया था और उसी में ने हॉलीवुड के एक्टर रेस ट्यूटर जिन्होंने थोर में काम किया हुआ है उनको मेन एंटागोनिस्ट जो स्कॉट वाला किरदार है विलन का किरदार है उसके लिए कास्ट किया गया था और उनके साथ एलिसन डूडी को भी एक लेडीज उनको लेडीज स्कॉट के रोल के लिए कास्ट किया गया था उसके बाद चक्री वरुण बुद्धा बुद्धादेव स्पंदन चतुर्वेदी जो एक जो सभी चाइल्ड आर्टिस्ट है और उन्होंने रामचरण एनटीआर भट्ट के यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर भट के, के लिए कास्ट किया गया था और डेडलाइन हॉलीवुड के जो इंटरव्यू आया था उसके दौरान जूनियर एनटीआर ने अनाउंस किया था कि वो उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने उसमें बात की हुई थी को मेजर रिसर्च करके पोर्ट्रे कर रहे जिसके लिए उनको उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने में और आसानी हो और अपना जो फिशी, फिजिकल अपीरेंस है उसको क्रिएट करने में उनको 18 महीने लगे हुए थे जून दो जून दो को कुछ रिपोर्टर्स ने क्लेम किया था कि अजय देवगन इस फिल्म में नेशनलिस्ट और मेंटर के तौर पे दिखाई देंगे जो कौमरम भीम और अल्लूरी सीताराम राजा रामाजू के नेशनलिस्ट और गुरु इंटर के रोल में दिखाई देने वाले हैं हंस इंडिया जो एक जिन्होंने रिपोर्ट दी हुई थी कि अजय देवगन सेकंड हाफ में फिल्म के फ्लैशबैक के एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं और उनका स्क्रीन टाइम करीबन चालीस मिनट का हो सकता है और उसके बाद कीर्ति सुरेश और प्रिया मनी को कुछ रोल के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद श्रिया सरन को कास्ट किया गया था जून 2020 में वो कंफर्म हो चुका था इसके बाद अजय देवगन आलिया भट्ट एस एस राजा मोली आर आर के लिए जो जुलाई 2020 में फिल्म को रिलीज करने वाले थे उनके लिए सभी चीज इन सभी कास्ट को बता दिया गया था कि ये फिल्म इस मौके पे आने वाले तो फिल्म के की शूटिंग उस टाइप की कंप्लीट करवाने वाले इसके अलावा बाद में राहुल रामाकृष्णन छत्रपति शेखर राजीव कना को कुछ सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद फिल्म की डिजाइनिंग प्रोडक्शन डिजाइनिंग के ऊपर काम किया गया और एक प्रॉपर फर्स्ट शेड्यूल फिल्म का सेट किया गया जो हैदराबाद में था जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस भी शूट किया गया था इसके अलावा मधुवा हाउस में कुछ सीक्वेंस के लिए कुछ एक्टर टेक्नीशियन के साथ वहाँ पे काम किया गया था इसके अलावा पाँच मिनट का एक की सीन है उसको भी टेक्नीशियन के थ्रू वहाँ फिल्माया गया था राजा मौलिक का एक नया ऑफिस है वहाँ पे कुछ क्रू मेंबर के साथ एक लंबी डिस्कशन चली थी कि वो फिल्म का जो प्लॉट है वो जो हाउस है उसके रिगार्डिंग किस तरह से शूटिंग करने वाले हैं इसके बाद जून 2020 में अट्ठारह करोड़ का खर्चा करके एक सेट क्रिएट किया गया था जहां पर एक प्रॉपर विलेज क्रिएट किया गया था लेकिन कोविड 19 के सिचुएशन के चलते वो सभी सिक्वेंस को शूट करने के लिए पोस्टपोन किया गया और उसके बाद जी सीम सिटी है वहाँ पे दिल्ली का जो ट्वेंटी सेंचुरी की दिल्ली है उसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेट किया क्रिएट किया गया था जिसको बनाने के लिए टोटल पचास दिन का टाइम लगा था और उसके बाद एक्शन शेड्यूल सेट किया गया था जिसमें कुछ नाइट शूट्स भी सेट किए गए थे जिसके लिए काफ़ी ह्यूज सेट क्रिएट किया गया था जहाँ पे डायरेक्टर क्रू मेम्बर कुछ सॉन्ग की शूटिंग के लिए रामचरण और भट्ट के साथ अलिया भट्ट के साथ जो शूटिंग थी उसके लिए एक प्रॉपर सेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसको काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक जो दोस्ती गाना है जिसको जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात कर ग्यारह नवंबर 2018 को फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े सितारे जैसे प्रभास राणा दगुपति जो बाहुबली फ्रेंचाइज में दिखाई दिए थे वो प्रिंसिपल फोटोग्राफी के यानी पूजा सेरेमनी के दौरान दिखाई दिए थे इसके अलावा फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया गया जहाँ पे वडोदरा वडोदरा में भी फिल्म को शूट किया गया था हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था करीबन एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्म में हजार आर्टिस्ट का यूज किया गया था जो फरवरी 2019 में जो शूट हुआ था तब के समय उसके बाद फिल्म का कुछ चीज थी जो जो सिक्वेंस थे उसके लिए वडोदरा में फिल्म में फिल्माया गया था उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में कुछ सीन को शूट किया गया था इसके अलावा एनटीआर को कुछ छोटे मोटी इंजरी फिल्म में दिखाई दी थी जहां पे तो उसके चलते फिल्म के शेड्यूल को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था इसके अलावा फिल्म की म्यूज़िक की बात करें तो आरआरआर का जो साउंड ट्रैक है उसको इसको क्रिएट किया हुआ एम एम किरवानी ने और अन्नपूर्णा स्टूडियो के नीचे इसको प्रोड्यूस किया गया था जिसको टी सीरीज़ हिंदी वर्जन में लेबल कर रही है इसके अलावा उसका लहरी म्यूज़िक तेलुगु वर्जन को लेबल कर रहा है सभी वर्जन के लिए सभी अलग अलग आपको सिंगर और लिरिक आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं और सभी वर्जन के लिए तीन तीन गाने अभी तक रिलीज करवाए गए जहाँ पे तेलुगु वर्जन की बात करें तो दोस्ती जिसका लिरिक्स लिखा हुआ श्रीनी वेला सीतारामा शास्त्री ने सिंगर थे वेदला हेमा चंद्र लिरिक्स यानी कि गाने की जो लेंथ थी वो थी पाँच मिनट चालीस सेकंड वहीं पे नाटू नाटू जो दूसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है चंद्रा बोस ने सिंगर थे राहुल सिपलिंगजा और काला भैरव और गाने की लेंथ थी तीन मिनट चौंतीस सेकंड चन्नी जो तीसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है एम एम किरवानी जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है गाया भी उन्होंने ये एम एम किरवानी ने गाने की लेंथ है तीन मिनट आठ सेकंड इस तरह से बारह मिनट और तेईस सेकंड के सभी वर्जन के आपको गाने सुनने को मिलेंगे साउंड ट्रैक अभी तक बारह मिनट तेईस सेकंड का लॉन्च किया गया है इसके अलावा फिल्म को फाइनली सात जनवरी दो के लिए शेड्यूल करवाया गया है जहाँ पे आपको ये फिल्म सभी वर्जन में देखने को मिलेगी यानी कि तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नडा हिंदी सभी वर्जन में देखने को मिलेगी जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज है बाकी सब डब वर्जन है ये फिल्म पहले 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फरवरी 2020 में फिल्म को पोस्टपोन किया गया जहां पे 8 जनवरी 2021 को संक्रांति के मौके पर फिल्म के रिलीज डेट फाइनल की गई थी लेकिन नवंबर 2020 में राजा मोहली ने फिर से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि फिल्म की शूटिंग के वक्त थोड़े बहुत चीजें कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूट नहीं हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी लेट हो रही तो फिल्म थोड़ी लेट रिलीज की जाएगी बाद में पाँच पच्चीस जनवरी दो को रिपब्लिक डे के

वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म डब करके रिलीज की जाएगी फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस 400 करोड़ बताया जा रहा है फिल्म को प्री रिलीज डील की हुई जो टोटल कुछ रिवील हुए वो 890 करोड़ है जो अभी तक इंडियन फिल्मों में जितनी भी फिल्में उसमें हाईएस्ट है डोमेस्टिक थिएटिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है उस रीजन के लिए एक करोड़ में उसके राइट्स बेचे गए जो फरवरी दो को पता चला हुआ था उसके बाद लाइका प्रोडक्शन जिन्होंने तमिल वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया हुआ है थिएटिकली उन्होंने 48 करोड़ इस फिल्म की प्राइस से दी हुई है इसके अलावा पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए जो राइट्स खरीदे हुए पेन मरुधार एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे उन्होंने इस फिल्म के सैटेलाइट डिजिटल राइट्स सभी वर्जन के लिए खरीदे हुए तो नॉर्थ इंडिया थिएटिकल राइट्स उन्होंने 140 करोड़ में खरीदे हुए केरला और कर्नाटका जहाँ पे मलयालम और कर्नाटका में और लैंग्वेज चलती है उस वर्ज़न के लिए जो थिएटिकल राइट्स है वो केरला के लिए 15 करोड़ और कर्नाटक के लिए 45 करोड़ में बेचे गए थे इसके अलावा ओवरसीज जो राइट्स है फिल्म के रिगार्डिंग उसको फार्म फिल्म को बेचे गए जिसका टोटल सत्तर करोड़ में बेचे गए फिल्म की मार्केटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें अलग अलग अपनाई जा रही है जहाँ पे राइज रोल रिवर्ल्ड के नाम से फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा और साथ ही में सभी वर्जन के लिए अलग अलग कुछ नाम सामने आए थे और एक प्रॉपर एक कॉम कॉम्पिटिशन जैसा कुछ उन्होंने सेट किया हुआ था सोशल मीडिया हैंडल पे के आरआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है उसके बाद राइज वॉल्ट राइज रोअल रिवोल्ट फिल्म का नाम सेट किया गया था और उसके बाद 2021 मई में पेन स्टूडियो ने अनाउंस किया हुआ था कि तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा सभी के जो राय डिजिटल राइट्स से जी फाइव को बेचे गए हिंदी इंग्लिश पोर्टोगीज कोरियन तर्की स्पेनिश वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे गए इसके अलावा जी नेटवर्क ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए स्टार इंडिया नेटवर्क ने इस फिल्म के राइट्स तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा वर्जन के लिए खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के कंबाइंड डील की गई है जहां पे पोस्ट थ्रेटिकल जो स्ट्रीमिंग राइट्स है सैटेलाइट से, राइट्स है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से तीन करोड़ में बेचे गए इसके अलावा फिल्म के कुछ कैरेक्टर इश्यू भी किए हुए थे और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बाद में उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया था अब देखने वाली बात यह है कि चार करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने पहले ही प्री बिजनेस इतना कर लिया है तो अब थिएटर में बाहुबली की जैसी फिल्मों को हिट करवाने वाले डायरेक्टर राजा मोल ही है साथ ही में बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सुपरस्टार अजय देवगन सुपरस्टार जूनियर एन रामचरण ऐसे एक्टर देखने को मिल रही है तो ये फिल्म चार करोड़ के बजट में बनी कम से कम हज़ार करोड़ तो कमा सकती है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये फिल्म आपको कैसे और कितना का बिजनेस करके देती है अगर फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म काफ़ी बढ़िया बिजनेस करेगी और अभी तक राजा मौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उनकी अभी तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फिल्म का प्री बिजनेस काफ़ी हाई है अब बात करें इस फिल्म के रिगार्डिंग और डिटेलिंग दूँ तो इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जैसे कि मैंने बताया कि जी ने खरीदा हुआ है तो जी सिनेमा पे ये फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है टेलीविजन पे इसके बाद हिंदी डब वर्जन नेटफ्लिक्स के पास ओ टी राइट्स है तो पहले उससे पहले ओ टी टी नेटफ्लिक्स के पास है इस वजह से थिएटरिकल रिलीज़ के बाद करीबन एक महीने के बाद ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हिंदी डब वर्जन में फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी और रिस्पेक्टिवली दूसरे दूसरे लैंग्वेज में ये फिल्म भी जिसके जो तेलुगू तमिल कन्नडा और मलयालम राइट्स है वो स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए तो उनके टीवी चैनल पे रिलीज हो कुछ वर्जन, है, इंटरनेशनल वर्जन वो आपको पे देखने को मिलेंगे तो कहां पे और कैसे रिलीज होगी उसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है आर 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 जो इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक अपकमिंग मूवी है जिसको डायरेक्ट किया हुआ एस एस राजा मोहली ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा यानी कि स्क्रीन प्ले डन एस एस राजा मौली का है इसके अलावा स्टोरी की बात करें तो वो लिखी हुई है के वी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के डायलॉग लिखे हुए साई माधव बुर्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे डी वी वी दनैया फिल्म के लीड कास्ट की बात कर ले तो एन टी आर रामा राव जूनियर साथी में रामचरण भट्ट अजय देवगन इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो संपंदन चतुर्वेदी ओलिवस मोरिस समूथी रकानी एलिसन डूडी रेश टेविसन श्रिया सरन अरुण सागर इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकला राहुल रामाकृष्णन ये सभी लोग भी देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिगार्डिंग और डीप टेक्निकल मामले में तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है के के सैंथिल कुमार ने एडिटिंग का देखने को मिलेगी श्रीकर प्रसाद की फिल्म का म्यूजिक सुनने को मिलेगा एम एम किरवानी का जो हर बार राजा मौली की फिल्मों के लिए म्यूजिक देते आ रहे हैं फिल्म की स्टोरी के लिए के विजेंद्र प्रसाद ही राजा मौली की फिल्मों की स्टोरी लिखते हैं इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डी एंटरटेनमेंट जिनको टी एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को डी बी धनैया ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए लाइका प्रोडक्शन ने तमिलनाडु के लिए इसके अलावा केवीएन प्रोडक्शन ने कर्नाटक के लिए ये एक प्रॉपर पेन इंडिया फिल्म है जिसके लिए सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं सभी लैंग्वेज में सभी राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है पांच मेन लैंग्वेज यानी कि इंडिया के लिए पांच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है जो है हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा इसके अलावा ये फिल्म दूसरी लैंग्वेजों में भी देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो इस फिल्म को फ़िलहाल के लिए सात जनवरी दो की डेट फिक्स की गई है थिएटर रिलीज के लिए वैसे तो फिल्म कई बार पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना के चलते लेकिन अब ये डेट फाइनल हो चुकी है तो आने वाले समय में ये फिल्म आपको सात जनवरी दो से थिएटर में देखने को मिल जाएगी इससे पहले इस फिल्म का टीजर और ग्लीम्स आ चुके हैं कैरेक्टर इंट्रो भी देखने को मिल चुका है अब फिल्म का फाइनल ट्रेलर आने वाला है जो पहले करीबन दिसंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला था लेकिन अब उसकी डेट थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया है इसके अलावा फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 400 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है फिल्म की पूरी शूटिंग तेलुगु लैंग्वेज में की गई है बाकी सभी वर्जन यानी कि तमिल मलयालम कन्नड़ा हिंदी इन सभी में डब किया गया है जिस तरह से बाहुबली को बनाया गया था ठीक उसी तरह से फिल्म को बनाया गया है फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा रखा गया है जिसकी वजह से बजट काफ़ी हाई देखने को मिलता है इसके अलावा फिल्म के जो कैरेक्टर है कास्टिंग है उसके रिगार्डिंग बात करें तो आपको एन टी आर रामा राव जूनियर जो कोमरम भीम के रोल में दिखाई देते हैं जो एक ट्रीबल लीडर थे ट्राइबल गोंड ट्राइबल लीडर थे तेलंगाना के लिए जिन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो लाइब्रेजेशन थे हैदराबाद स्टेट के उनके अगेंस्ट फाइट की हुई थी और उन्हीं का जो यंग वर्जन है यंग कोमराम भीम वो रोल प्ले कर रहे चक्री रामचरण जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है जिसका रोल है अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि वो अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले कर रहे जो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे साथ ही में ट्राइबल लीडर भी थे आंध्र प्रदेश के और वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान उनके तरफ फाइट की हुई थी वरुण बुद्धादेव जो यंग अल्लूरी सीतारामा राजू का रोल प्ले करेंगे अजय देवगन जिनका फिल्म एक एक्सटेंट एक कैम्योपीरियस देखने को मिलेगा जिनका फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितना रोल देखने सॉरी सात आठ मिनट जितना रोल देखने को मिलता है लेकिन वो रोल काफी इम्पोर्टेंट है एन टी आर जूनियर और रामचरण के ऊपर वाला कुछ कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर ये दोनों एक्टर यानी कि ये दोनों कैरेक्टर हैं जो कोमराम भीम और अलूरी सीताराम राजू उनके शायद गुरु भी हो सकते हैं या तो उनके उनके ऊपर के लीडर या उनके रोल मॉडल ऐसा कुछ तो दिखाया होगा फिल्म में आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले कर रही है उनका भी कैरेक्टर इंट्रो देखने को मिला था उनका लुक काफी बढ़िया नजर आ रहा है साथ ही में उनके रोल के ऊपर बात करें तो उनको करीबन पंद्रह मिनट तक का स्क्रीन प्रेजेंस मिला है फिल्म में क्योंकि ये फिल्म ज्यादातर कोम भीम और अल्वरी सीतारामा राजू के ऊपर फोकस है जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा छोटा लिखा गया है स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम है स्पंदन चतुर्वेदी जो यंग सीता का रोल प्ले कर रही है जो आलिया भट्टे जो सीता का रोल प्ले करी है उनका यंग वाला वर्जन स्पंदन चतुर्वेदी उस रोल में दिखाई देती है ओलिविया मोरिस जो जेनिफर के रोल में दिखाई देती है उनका भी एक कैरेक्टर इंट्रो दिया गया था इसके अलावा समूति रकानी का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है एल्सन डूडी जो लेडी स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं, रे स्टेविडसन जो स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं साथ ही में श्रिया सरन जिनका एक केम्यूअपियंस है जो सर के रोल में दिखाई देती है जिनका कैरेक्टर अजय देवगन के साथ सेट किया हुआ है वो हमें जन्नी गाने के दौरान पता चलता है उन उसका जो एक लिरिकल वीडियो आया था तब उनका भी फेस उस पर रिवील किया गया था अरुण सागर जिनका भी फिल्म केम्यूअपीरियंस है रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है छत्रपति शेखर राजीव कनकाला, राहुल रामाकृष्णन इन जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं लेकिन अभी तक किसी का भी रोल इसमें से डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज होगी या ट्रेलर आएगा तब शायद उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है अदरवाइज जो एन टी रामा राव का कैरेक्टर है कोमरम भीम रामचरण का जो कैरेक्टर है अल्लूरी सीता रामा राजू उनके ऊपर और थोड़ा डीप में पता चल सकता है ये एक फिक्शनल स्टोरी बताई जा रही है राजा मौली ने कहा है कि एक फिक्सनल स्टोरी है जो दो लेजेंडरी रेवोल्यूशनर कैरेक्टर है उसके ऊपर एक फिक्सनल स्टोरी लिखी जा रही है हालांकि फिल्म की स्टोरी ट्रू इंसिडेंट से बेस्ड भी बताई जा रही है तो उनके घर से वो बाहर जब निकलते तो उनकी जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई गई है जहाँ पे वो उन्नीस सौ में अपनी कंट्री के लिए जो फाइट कर रहे जो एक क्रांतिकारी वाला किरदार है उस टाइप की फिल्म की स्टोरी रखी गई है जो फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था वो भी काफी अमेजिंग नजर आ रहा था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार नजर आ रहा था इसके अलावा फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की बात करें तो अक्टूबर 2017 एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर राजा मोली ने अनाउंस किया था यानी कि अपना सेकंड प्रोजेक्ट बाहुबली 2 कंक्लूजन जिसके प्रोड्यूसर डीवीवी एंटरटेनमेंट और केएल नारायण थे जो बाहुबली 2 के बाद जो दो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे उसके लिए यह प्रोड्यूसर सेट है ऐसा उन्होंने अनाउंस किया था फिल्म का नाम प्रॉपर अभी तक रिवील नहीं हुआ था उसके बाद वो बोल रहे थे कि वो एक सोशल ड्रामा फिल्म बनाने वाले हैं, जो नारायण के प्रोडक्शन के नीचे महेश बाबू के साथ बनेगी जो नवंबर 2017 में राजा मौली ने एन टी आर रामा राव जूनियर और रामचरण चरण के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट शेयर की हुई थी और उन्होंने एक हिंट दी कि वो इनके साथ फिल्म करने वाले उसके बाद फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो मार्च 2018 को की की गई थी और फिल्म को टेंटेटिव टाइटल है वो आर 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 दिया गया था के वी विजया प्रसाद जिन्होंने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी हुई है और राजा मौली ने फिल्म की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले को बनाया हुआ है जिसके लिए फिल्म के इन सभी चीजों के लिए छः महीने एक्स्ट्रा लगे थे सितंबर 2018 का महीना तब साई माधव बुर्रा ने फिल्म के डायलॉग्स के लिए प्रोजेक्ट को साइन किया हुआ था उन्होंने पहले प्राइमरी जो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज उसके लिए डायलॉग लिखे थे इसके अलावा जो दूसरे वर्जन है जैसे कि तमिल वर्जन उसके लिए माधवी कार्की ने डायलॉग लिखे हुए वरदा वर्धा राजू चिक्का जिन्होंने कन्नड़ा वर्जन के लिए डायलॉग लिखे हुए साथ ही में मोमोकोबू गोपाल कृष्णन जिनको मलयालम वर्जन के लिए चूज किया गया था और रिया मुखर्जी जिनको हिंदी वर्जन के लिए चूज किया गया था और उसके बाद राजा मौली ने अपने जो पहले के प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निशियन थे जो सिनेमाटोग्राफर है म्यूजिशियन है उन्हीं को इस फिल्म में लिया गया है वो ज़्यादातर कंसिस्टेंटली अपने सभी क्रू और कास्ट और टीम मेंबर के साथ टेक्नीशियन के साथ काम करते हुए नजर आए जैसे कि एम एम किरवानी जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा से रहे के के सेंथल कुमार जो हमेशा से डीओपी यानी कि सिनेमेटोग्राफर का काम करते हुए नज़र आते श्रीकार प्रसाद जो फिल्म हमेशा एडिट करते हुए नज़र आते साबू श्रेलिक जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर दिखाई देंगे वी श्रीनिवास मोहन जो विजुअल इफेक्ट सुपरविज़न करते हुए दिखाई देते हैं साथ ही में रामा राजा मोली जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के, के लिए काम करते निक पोवेल जो स्टंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी जो कोरियोग्राफी है जो, जो क्लाइम सीक्वेंस है उसके लिए भी उनको ही चूज किया गया है तो इस फिल्म के लिए जितने भी जो टेक्नीशियन है जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादातर राजा मौली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ तक कि फिल्म के जो एक्टर है एन टी आर रामा राव जूनियर रामचरण वो भी पहले काम कर चुके हैं जहाँ पर रामचरण के आपको आपने मगधीरा भी देखी होगी अजय देवगन के साथ उन्होंने मक्खी में काम किया हुआ था काम मतलब कि अजय देवगन का एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है मक्खी फिल्म में तो यानि कि राजा मौली अपने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ ही में टेक्नीशियन उन सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए ज़्यादा नजर आते और उनका जो विजन है वो काफ़ी हाई लेवल वाला है जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बजट वाला बनता है ख़ास करके जब से बाहुबली सीरीज आई उसके बाद उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को काफ़ी ध्यान रहता है अब बात कर लेते हैं फिल्म के डेवलपमेंट की थोड़े आगे की तो फिल्म का जो प्रोडक्शन है रामा राव जूनियर और चरण के साथ एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया गया था यानी जब फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया था मिड अक्टूबर 2018 को जहां पे रामा राव और चरण का जो कैरेक्टर है उनको वो डीप में समझाने के लिए साथ ही में उनको एक फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए अपने रोल के लिए किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है वो डीपली सभी मिलकर एक मीटिंग और एनालिसिस करके उस जो वर्कशॉप है उसके थ्रू कैरेक्टर को पकड़ते उस चीज़ के लिए वो टाइम दिया गया था उसके बाद मार्च 2019 हज़ार जहाँ पे राजा मोहली ने रिवील किया हुआ था कि फिल्म का जो कोर आइडिया है जो बेसिक लाइन है वो द मोटरसाइकिल डायरी दो, जो जो दो हज़ार चार की मूवी है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर नज़र आ सकता है और उनके जो उन्होंने पहले भी ऐसी बात बताई हुई कि उनकी जो फिल्में हैं उसमें जो फाइट सीक्वेंस होते हैं जो कुछ कैरेक्टर है वो हॉलीवुड मूवी से ज़्यादातर इंस्पायर होकर बनाते रहते हैं और उनका जो कैरेक्टर है चीट उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिवोल्यूशन वाला है जिसको ग्यूरा का नाम दिया हुआ है उन सभी कैरेक्टर के जो प्रोटोक के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो सभी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिल सकती है द मोटरसाइकिल डायरीज और आरआरआर के बीच में इसके अलावा चरण और रामचर एन उनका जो यंगर वर्जन है जो अल्लूरी रामा रजू और कोमरम भीम का जो एंगर वर्जन है उसके लिए बाद में कुछ प्लॉट लिखा हुआ था जिसको दिल्ली में एक्सप्लोर किया जाएगा नाइनटीन ट्वेंटीज के दौरान और उस फाइट के दौरान कंट्री के लिए जो फाइट होने वाली थी उसके साथ में जो स्टोरी की जो एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करा हुआ है वो प्रॉपर वे में उन्होंने सेट किया हुआ है उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिटेलिंग दी हुई थी इसके अलावा जो ये तेलुगु ट्राइबल लीडर है उनके अराउंड जितनी भी घटनाएं घटी हुई है बचपन से अभी लेक अभी तक लेकर उन सभी चीज़ों के ऊपर वो डीप स्क्रिप्टिंग करने वाले ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी और उनके जो कैरेक्टर है उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ी डिटेल हुई थी दी हुई थी और उन्होंने कहा है कि ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया हुआ है अब उनका नाम टेंटेटिव आर 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 रखा हुआ है और उसके बाद राजा मौली ने ऑफिशियल टाइटल अनाउंस करते हुए कहा कि यूनिवर्सल टाइटल इस फिल्म का लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा जिसके लिए फिल्म बड़े स्केल पे एक ही नाम के साथ रिलीज की जाएगी कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तेलगु लैंग्वेज में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उनकी पहली तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट कास्ट की गई है वो कास्टिंग की जो अनाउंसमेंट होती है तब कहा गया था जहाँ पे वो सीता का रोल प्ले कर रही है अजय देवगन का एक एक्सटेंड केम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा जिस तरह मैंने आपको कहा सात आठ मिनट की जितना रोल है इसके अलावा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो भी उन्होंने अनाउंस के दौरान कहा था तमिल एक्टर समुथी रकानी उनको एक क्रिशल रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद कुछ समय के बाद डेजी एज जोन्स को फिल्म के एक ब्रिटिश एक्टर वो ब्रिटिश एक्टर है उनको रामा राव के अगेंस्ट यानी कि उनके अपोजिट कास्ट किया गया था लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते अप्रैल 2019 में वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद ओलिविया मोरिस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नवंबर 2019 को साइन किया गया था और उसी में हॉलीवुड के एक्टर रेश ट्यवटर जिन्होंने थोर में काम किया हुआ है उनको मेन एंटागोनिस जो स्कॉट वाला किरदार है विलन का किरदार है उसके लिए कास्ट किया गया था और उनके साथ एलिसन डूडी को भी एक लेडीज को उनको लेडी स्कॉट के रोल के लिए कास्ट किया गया था उसके बाद चक्री वरुण बुद्धा देवस पंदन चतुर्वेदी जो एक जो सभी चाइल्ड आर्टिस्ट है और उन्होंने रामचरण एन टी आर भट्ट के यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था और डेडलाइन हॉलीवुड के जो इंटरव्यू आया था उसके दौरान जूनियर एन ने अनाउंस किया था कि वो उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने उसमें बात की हुई थी को मेजर रिसर्च करके पोर्ट्रेट कर रहे जिसके लिए उनको उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने में और आसानी हो और अपना जो फिजिकल अपीरेंस है उसको क्रिएट करने में उनको अट्ठारह महीने लगे हुए थे जून दो जून दो को कुछ रिपोर्टर्स ने क्लेम किया था कि अजय देवगन इस फिल्म में नेशनलिस्ट और मेंटर के तौर पे दिखाई देंगे जो कौमरम भीम और अल्लोरी सीताराम मुख्य राजा रामाजू के नेशनलिस्ट और गुरु मेंटर के रोल में दिखाई देने वाले हैं हंस इंडिया जो एक जिन्होंने रिपोर्ट दी हुई थी कि अजय देवगन सेकंड हाफ में फिल्म के फ्लैशबैक के एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं और उनका स्क्रीन टाइम करीबन 40 मिनट का हो सकता है और उसके बाद कीर्ति सुरेश और प्रिया मनी को कुछ रोल के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद श्रिया सरन को कास्ट किया गया था जून 2020 में वो कंफर्म हो चुका था इसके बाद अजय देवगन आलिया भट्ट एस एस राजा मोली आर 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 के लिए जो जुलाई 2020 में फिल्म को रिलीज करने वाले थे उनके लिए सभी चीज़, इन सभी कास्ट को बता दिया गया था कि ये फिल्म इस मौके पे आने वाले तो फिल्म की शूटिंग उस टाइप की कंप्लीट करवाने वाले इसके अलावा बाद में राहुल कृष्णन, छत्रपति शेखर राजीव कना को कुछ सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद फिल्म की डिजाइनिंग प्रोडक्शन डिजाइनिंग के ऊपर काम किया गया और एक प्रॉपर फर्स्ट शेड्यूल फिल्म का सेट किया गया जो हैदराबाद में था जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस भी शूट किया गया था इसके अलावा मदुआ हाउस में कुछ सिक्वेंस के लिए कुछ एक्टर टेक्नीशियन के साथ वहाँ पे काम किया गया था इसके अलावा पाँच मिनट का एक की सीन है उसको भी टेक्नीशियन के थ्रू वहाँ फिल्माया गया था राजा मौलिक का एक नया ऑफिस है वहाँ पे कुछ क्रू मेंबर के साथ एक लंबी डिस्कशन चली थी कि वो फिल्म का जो प्लॉट है वो जो हाउस है उसके रिगार्डिंग किस तरह से शूटिंग करने वाले हैं इसके बाद जून 2020 में अट्ठारह करोड़ का खर्चा करके एक सेट क्रिएट किया गया था जहां पे एक प्रॉपर विलेज क्रिएट किया गया था लेकिन कोविड 19 के सिचुएशन के चलते वो सभी सिक्वेंस को शूट करने के लिए पोस्टपोन किया गया और उसके बाद रामाजी सी सिटी है वहाँ पे दिल्ली का जो ट्वेंटी सेंचुरी की दिल्ली है उसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेट किया क्रिएट किया गया था जिसको बनाने के लिए टोटल पचास दिन का टाइम लगा था और उसके बाद एक्सन शेड्यूल सेट किया गया था जिसमें कुछ नाइट सोर्स भी सेट किए गए थे जिसके लिए काफ़ी ह्यूज सेट क्रिएट किया गया था जहाँ पे डायरेक्टर क्रू मेम्बर कुछ सॉन्ग की शूटिंग के लिए रामचरण और भट्ट के साथ अलिया भट्ट के साथ जो शूटिंग थी उसके लिए एक प्रॉपर सेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसको काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक जो दोस्ती गाना है जिसको जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात कर ग्यारह नवंबर 2018 को फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े सितारे जैसे प्रभास राणा दगुपति जो बाहुबली फ्रेंचाइज में दिखाई दिए थे वो प्रिंसिपल फोटोग्राफी के यानी पूजा सेरामनी के दौरान दिखाई दिए थे इसके अलावा फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया गया जहाँ पर वोदरा वडोदरा में भी फिल्म को शूट किया गया था हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था करीबन एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्म में हज़ार आर्टिस्ट का यूज़ किया गया था जो फरवरी 2019 में जो शूट हुआ था तब के समय उसके बाद फिल्म का कुछ चीज़ थी जो जो सिक्वेंस थे उसके लिए वडोदरा में फिल्म में फिल्माया गया था उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में कुछ सीन को शूट किया गया था इसके अलावा एनटीआर को कुछ छोटे मोटे इंजरी फिल्म में दिखाई दी थी जहाँ पे जो उसके चलते फिल्म के शेड्यूल को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था इसके अलावा फिल्म की म्यूज़िक की बात करें तो आरआरआर का जो साउंड ट्रैक है उसको इसको क्रिएट किया हुआ है एम MM एम किरवानी ने और अन्नपूर्णा स्टूडियो के नीचे इसको प्रोड्यूस किया गया था जिसको टी सीरीज़ हिंदी वर्जन में लेबल कर रही है इसके अलावा उसका लहरी म्यूज़िक तेलुगु वर्जन को लेबल कर रहा है सभी वर्जन के लिए सभी अलग अलग आपको सिंगर और लिरिक आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं और सभी वर्जन के लिए तीन तीन गाने अभी तक रिलीज करवाए गए जहाँ पे तेलुगु वर्जन की बात कर तो दोस्ती जिसका लिरिक्स लिखा हुआ श्रीनी वेदला सीताराम शास्त्री ने सिंगर थे वेदला हेमा चंद्र लिरिक्स यानी कि गाने की जो लेंथ थी वो थी पाँच मिनट चालीस सेकंड वहीं पे नाटू नाटू जो दूसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है चंद्र बोस ने सिंगर थे राहुल सिपलिंगजा और काला भैरव और गाने की ले थे तीन मिनट चौंतीस सेकंड चन्नी जो तीसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है एम एम किरवानी जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है गाया भी उन्होंने ये एम एम किरवानी ने गाने की ले थे तीन मिनट आठ सेकंड इस तरह से बारह मिनट और तेईस सेकंड के सभी वर्जन के आपको गाने सुनने को मिलेंगे साउंड ट्रैक अभी तक बारह मिनट तेईस सेकंड का लॉन्च किया गया है इसके अलावा फिल्म को फाइनली सात जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल करवाया गया है जहां पे आपको ये फिल्म सभी वर्जन में देखने को मिलेगी यानी कि तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में देखने को मिलेगी जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज है बाकी सब डब वर्जन है ये फिल्म पहले 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फरवरी 2020 में फिल्म को पोस्टपोन किया गया जहां पे 8 जनवरी 2021 को संक्रांति के मौके पर फिल्म के रिलीज डेट फाइनल की गई थी लेकिन नवंबर दो हजार में राजा मोहली ने फिर से फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि फिल्म की शूटिंग के वक्त थोड़े बहुत चीजें कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूट नहीं हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी लेट हो रही तो फिल्म थोड़ी लेट रिलीज की जाएगी बाद में पाँच पच्चीस जनवरी दो को रिपब्लिक डे के

डब वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म डब करके रिलीज की जाएगी फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस 400 करोड़ बताया जा रहा है फिल्म को प्री रिलीज डील की हुई जो टोटल कुछ रिवील हुए वो आठ करोड़ है जो अभी तक इंडियन फिल्मों में जितनी भी फिल्म है उसमें हाइस्ट है डोमेस्टिक थिएटिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है उस रीजन के लिए एक करोड़ में उसके राइट्स बेचे गए जो फरवरी 2021 को पता चला हुआ था उसके बाद लाइका प्रोडक्शन जिन्होंने तमिल वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया हुआ है थिएटिकली उन्होंने 48 करोड़ इस फिल्म की प्राइस से दी हुई है इसके अलावा पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए जो राइट्स खरीदे हुए पेन मरुधार एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे उन्होंने इस फिल्म के सैटेलाइट डिजिटल राइट्स सभी वजन के लिए खरीदे हुए तो नॉर्थ इंडिया थिएटिकल राइट्स उन्होंने 140 करोड़ में खरीदे हुए केरला और कर्नाटका जहाँ पे मलयालम और का में कन्नडा और लैंग्वेज चलती है उस वजन के लिए जो थिएटिकल राइट्स है वो केरला के लिए 15 करोड़ और कर्नाटक के लिए 45 करोड़ में बेचे गए थे इसके अलावा ओवरसीज जो राइट्स है फिल्म के रिगार्डिंग उसको फांस फिल्म को बेचे गए जिसका टोटल सत्तर करोड़ में बेचे गए फिल्म की मार्केटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें अलग अलग अपनाई जा रही है जहाँ पे राइज रिवर्ट के नाम से फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा और साथ ही में सभी वर्जन के लिए अलग अलग कुछ नाम सामने आए थे और एक प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन जैसा कुछ उन्होंने सेयर किया हुआ था सोशल मीडिया हैंडल पे के आरआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है उसके बाद राइज वॉल्ट राइज रिवो, रोअर रिवोल्ट फिल्म का नाम सेट किया गया था और उसके बाद 2021 मई में पेन स्टूडियो ने अनाउंस किया हुआ था कि तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा सभी के जो राय डिजिटल राइट्स है जी फाइव को बेचे गए हिंदी इंग्लिश पोर्टोगीज कोरियन तर्की स्पेनिश वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे गए इसके अलावा जी नेटवर्क ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए स्टार इंडिया नेटवर्क ने इस फिल्म के राइट्स तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन के लिए खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के कंबाइंड डील की गई है जहां पे पोस्ट थ्रेटिकल जो स्ट्रीमिंग राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से तीन करोड़ में भेजे गए इसके अलावा फिल्म के कुछ कैरेक्टर इशू भी किए हुए थे और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बाद में उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया था अब देखने वाली बात ये कि 400 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने पहले ही प्री बिजनेस इतना कर लिया है तो अब थिएटर में बाहुबली की जैसी फिल्मों को हिट करवाने वाले डायरेक्टर राजा मोल ही है साथ ही में बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सुपरस्टार अजय देवगन सुपरस्टार जूनियर एन रामचरण ऐसे एक्टर देखने को मिल रही है तो ये फिल्म चार करोड़ के बजट में बनी कम से कम हजार करोड़ तो कमा सकती है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये फिल्म आपको कैसे और कितना का बिजनेस करके देती है अगर फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म काफी बढ़िया बिजनेस करेगी और अभी तक राजा मौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उनकी अभी तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फिल्म का प्री बिजनेस काफ़ी हाई है अब बात करें इस फिल्म के रिगार्डिंग और डिटेलिंग दूं तो इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जैसे कि मैंने बताया कि जी ने खरीदा हुआ है तो जी सिनेमा पे ये फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है टेलीविजन पे इसके बाद हिंदी डव वर्जन नेटफ्लिक्स के पास ओ टी राइट्स है तो पहले उससे पहले ओ राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है इस वजह से थिएटरिकल रिलीज़ के बाद करीबन एक महीने के बाद ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के जो ओ टी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी और रिस्पेक्टिवली दूसरे दूसरे लैंग्वेज़ में ये फिल्म भी जिसके जो तेलुगू तमिल कन्नडा और मलयालम राइट्स है वो स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए तो उनके टीवी चैनल पे रिलीज हो गए तो रिलीज होगी उसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है आर 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 जो इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक अपकमिंग मूवी है जिसको डायरेक्ट किया हुआ एस एस राजा मोहली ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा यानी कि स्क्रीन प्ले डशन एस एस राजा मौली का है इसके अलावा स्टोरी की बात करें तो वो लिखी हुई है के वी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के डायलॉग लिखे हुए साई माधव बुर्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे डी वी वी दनैया फिल्म के लीड कास्ट की बात कर ले तो एन टी आर रामा राव जूनियर साथी में रामचरण आलिया भट्ट अजय देवगन इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो संपंदन चतुर्वेदी समुथी रकानी रहीश डेविशन श्रिया सरन अरुण सागर इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकला राहुल रामाकृष्णन ये सभी लोग भी देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते फिल्म के रिगार्डिंग और डीप टेक्निकल मामले में तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है के के सैंथिल कुमार ने एडिटिंग का देखने को मिलेगी श्रीकर प्रसाद की फिल्म का म्यूजिक सुनने को मिलेगा एम एम किरवानी का जो हर बार राजा मौली की फिल्मों के लिए म्यूजिक देते आ रहे हैं फिल्म की स्टोरी के लिए के विजेंद्र प्रसाद ही राजा मौली की फिल्मों की स्टोरी लिखते है इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डी एंटरटेनमेंट जिनको टी एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को डी वी धनैया ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए लाइका प्रोडक्शन ने तमिलनाडु के लिए इसके अलावा केवीएन प्रोडक्शन ने कर्नाटक के लिए ये एक प्रॉपर पेन इंडिया फिल्म है जिसके लिए सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं सभी लैंग्वेज में सभी राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है पांच मेन लैंग्वेज यानी कि इंडिया के लिए पांच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है जो है हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा इसके अलावा ये फिल्म दूसरी लैंग्वेजों में भी देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो इस फिल्म को फिलहाल के लिए सात जनवरी 2022 की डेट फिक्स की गई है थिएटर रिलीज के लिए वैसे तो फिल्म कई बार पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना के चलते लेकिन अब ये डेट फाइनल हो चुकी है तो आने वाले समय में ये फिल्म आपको 7 जनवरी 2022 से थिएटर में देखने को मिल जाएगी इससे पहले इस फिल्म का टीज़र और ग्लीम्स आ चुके हैं कैरेक्टर इंट्रो भी देखने को मिल चुका है अब फिल्म का फाइनल ट्रेलर आने वाला है जो पहले करीबन दिसंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला था लेकिन अब उसकी डेट थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया है इसके अलावा फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 400 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है फिल्म की पूरी शूटिंग तेलुगु लैंग्वेज में की गई है बाकी सभी वर्जन यानी कि तमिल मलयालम कन्नड़ा हिंदी इन सभी में डब किया गया है जिस तरह से बाहुबली को बनाया गया था ठीक उसी तरह से फिल्म को बनाया गया है फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा रखा गया है जिसकी वजह से बजट काफ़ी हाई देखने को मिलता है इसके अलावा फिल्म के जो कैरेक्टर है कास्टिंग है उसके रिगार्डिंग बात करें तो आपको एन टी आर रामा राव जूनियर जो कोमरम भीम के रोल में दिखाई देते हैं जो एक ट्रीबल लीडर थे ट्राइबल गोंड ट्राइबल लीडर थे तेलंगाना के लिए जिन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो लाइब्रेजेशन थे हैदराबाद स्टेट के उनके अगेंस्ट फाइट की हुई थी और उन्हीं का जो यंग वर्जन है यंग कोमराम भीम वो रोल प्ले कर रहे चक्री रामचरण जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है जिसका रोल है अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि वो अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले कर रहे जो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे साथ ही में ट्राइबल लीडर भी थे आंध्र आंध्र प्रदेश के और वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान उनके तरफ फाइट की हुई थी वरुण बुद्धा देव जो यंग अल्लूरी सीतारामा राजू का रोल प्ले करेंगे अजय देवगन जिनका फिल्म एक एक्सटेंट एक केम्योपीरियंस देखने को मिलेगा जिनका फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितना रोल देखने सॉरी सात आठ मिनट जितना रोल देखने को मिलता है लेकिन वो रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एन टी आर रामा जूनियर और रामचरण के ऊपर वाला कुछ कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर ये दोनों एक्टर यानी कि ये दोनों कैरेक्टर है जो कोम भीम और अल्लरी सीतारामा राजू उनके शायद गुरु भी हो सकते हैं या तो उनके उनके ऊपर के लीडर या उनके रोल मॉडल ऐसा कुछ तो दिखाया होगा फिल्म में आलिया भट्ट जो सीता का प्ले कर रही है उनका भी कैरेक्टर इंट्रो देखने को मिला था उनका लुक काफी बढ़िया नजर आ रहा है साथ ही में उनके रोल के ऊपर बात करें तो उनको करीबन पंद्रह मिनट तक का स्क्रीन प्रेजेंस मिला है फिल्म में क्योंकि ये फिल्म ज्यादातर कोमराम भीम और अल्लरी सीतारामा राजू के ऊपर फोकस है जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा छोटा लिखा गया है स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम है स्पंदन चतुर्वेदी जो यंग सीता का रोल प्ले कर रही है जो आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले करे, उनका यंग वाला वर्जन स्पंदन चतुर्वेदी उस रोल में दिखाई देती है ओलिविया मोरिस जो जेनिफर के रोल में दिखाई देती है उनका भी एक कैरेक्टर इंट्रो दिया गया था इसके अलावा समूति रकानी का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है एल्सन डूडी जो लेडी स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं जो स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं साथ ही में सरन जिनका एक केमी है जो सरनि के रोल में दिखाई देती है जिनका कैरेक्टर अजय देवगन के साथ सेट किया हुआ है वो हमें जन्नी गाने के दौरान पता चलता है उन उसका जो एक लिरिकल वीडियो आया था तब उनका भी फेस उस पर रिवील किया गया था अरुण सागर जिनका भी फिल्म एक कैमियो अपीरियंस है रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकाला, राहुल रामाकृष्णन इन जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं लेकिन अभी तक किसी का भी रोल इसमें से डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज होगी या ट्रेलर आएगा तब शायद उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है अदरवाइज जो राव का कैरेक्टर है कोमरम भीम रामचरण का जो कैरेक्टर है अल्लूरी सीता रामा राजू उनके ऊपर और थोड़ा डीप में पता चल सकता है ये एक फिक्सनल स्टोरी बताई जा रही है राजा मौली ने कहा है कि फिक्शनल स्टोरी है जो दो लेजेंडरी रियोल कैरेक्टर है उसके ऊपर एक फिक्शनल स्टोरी लिखी जा रही है हालांकि फिल्म की स्टोरी ट्रू इंसिडेंट से बेस्ड भी बताई जा रही है तो उनके घर से वो बाहर जब निकलते तो उनकी जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई गई है जहाँ पे वो उन्नीस सौ में अपनी कंट्री के लिए जो फाइट कर रहे जो एक क्रांतिकारी वाला किरदार है उस टाइप की फिल्म की स्टोरी रखी गई है जो फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था वो भी काफी अमेजिंग नजर आ रहा था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार नजर आ रहा था इसके अलावा फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की बात करें तो अक्टूबर 2017 एक इंटरव्यू के दौरान रेसेस राजा मौली ने अनाउंस किया था यानी कि अपना सेकंड प्रोजेक्ट बाहुबली 2 कंक्लूजन जिसके प्रोड्यूसर डीवीवी एंटरटेनमेंट और के, के नारायण थे जो बाहुबली 2 के बाद जो दो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे उसके लिए ये प्रोड्यूसर सेठ है ऐसा उन्होंने अनाउंस किया था फिल्म का नाम प्रॉपर अभी तक नहीं हुआ था उसके बाद वो बोल रहे थे जो नारायण के प्रोडक्शन के नीचे महेश भाव के साथ बनेगी जो नवंबर 2017 में राजा मौली ने एन टी आर रामा राव जूनियर और रामचर चरण के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट शेयर की हुई थी और उन्होंने एक हिंट दी कि वो इनके साथ फिल्म करने वाले उसके बाद फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो मार्च 2018 को की की गई थी और फिल्म को टेंटेटिव टाइटल है वो आरआरआर आर आर दिया गया था के वी विजय प्रसाद जिन्होंने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी हुई है और राजा मौली ने फिल्म की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले को बनाया हुआ है जिसके लिए फिल्म के इन सभी चीज़ों के लिए छः महीने एक्स्ट्रा लगे थे सितंबर 2018 का महीना तब माधव बुर्रा ने फिल्म के डायलॉग्स के लिए प्रोजेक्ट को साइन किया हुआ था उन्होंने पहले प्राइमरी जो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज उसके लिए डायलॉग लिखे थे इसके अलावा जो दूसरे वर्जन है जैसे कि तमिल वर्जन उसके लिए माधवी करकी ने डायलॉग लिखे हुए है वर्धा राजू चिक्का बल्लापुरा जिन्होंने कन्नड़ा वर्जन के लिए डायलॉग लिखे हुए साथ ही में मोमोकोबू गोपाल कृष्णन जिनको मलयालम वर्जन के लिए चूज किया गया था और रिया मुखर्जी जिनको हिंदी वर्जन के लिए चूज किया गया था और उसके बाद राजा मौली ने अपने जो पहले के प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निकियन थे जो सिनेमाटोग्राफर है म्यूजिशियन है उन्हीं को इस फिल्म में लिया गया है वो ज़्यादातर कंसिस्टेंटली अपने सभी क्रू और कास्ट और टीम मेंबर के साथ टेक्नीशियन के साथ काम करते हुए नजर आए जैसे कि एमएम किरवानी जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा से रहे के के सेंथल कुमार जो हमेशा से डीओपी यानी कि सिनेमेटोग्राफर का काम करते हुए नजर आते श्रीकार प्रसाद जो फिल्म हमेशा एडिट करते हुए नज़र आते साबू श्रेलिक जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर दिखाई देंगे वी श्रीनिवास मोहन जो विजुअल इफेक्ट सुपरविजन करते हुए दिखाई देते साथ ही में रामा राजा मोली जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के, के, के लिए काम करते हैं नीक पोवेल जो स्टंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी जो कोरियोग्राफी है जो, जो क्लाइमेक्स एक्शन सीक्वेंस है उसके लिए भी उनको ही चूज किया गया है तो इस फिल्म के लिए जितने भी जो टेक्नीशियन है जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादातर राजा मौलिक के साथ पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ तक कि फिल्म के जो एक्टर है एन टी आर रामा राव जूनियर रामचरण वो भी पहले काम कर चुके हैं जहाँ पे रामचरण के आपको आपने मगधीरा भी देखी होगी अजय देवगन के साथ उन्होंने मक्खी में काम किया हुआ था काम मतलब कि अजय देवगन का एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है मक्खी फिल्म में तो यानी कि राजा मौली अपने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ ही में टेक्नीशियन उन सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए ज़्यादा नजर आते और उनका जो विजन है वो काफ़ी हाई लेवल वाला है जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बजट वाला बनता है ख़ास करके जब से बाहुबली सीरीज आई उसके बाद उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को काफ़ी ध्यान रहता है अब बात कर लेते हैं फिल्म के डेवलपमेंट की थोड़े आगे की तो फिल्म का जो प्रोडक्शन है रामा राव जूनियर और चरण के साथ एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया गया था यानी जब फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो, तो एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया था मिड अक्टूबर 2018 को जहां पे रामा राव और चरण का जो कैरेक्टर है उनको वो डीप में समझाने के लिए साथ ही में उनको एक फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए अपने रोल के लिए किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है वो डीपली सभी मिलकर एक मीटिंग और एनालिसिस करके उस जो वर्कशॉप है उसके थ्रू कैरेक्टर को पकड़ते उस चीज़ के लिए वो टाइम दिया गया था उसके बाद मार्च दो हज़ार उन्नीस जहाँ पे राजा मोली ने रिवील किया हुआ था कि फ़िल्म का जो कोर आइडिया है जो बेसिक लाइन है वो द मोटरसाइकिल डायरी से दो जो दो हज़ार की मूवी है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर नज़र आ सकता है और उनके जो के उन्होंने पहले भी ऐसी बात बताई हुई है कि उनकी जो फिल्म है उसमें जो फाइट सीक्वेंस होते हैं जो कुछ कैरेक्टर है वो हॉलीवुड मूवी से ज़्यादातर इंस्पायर होकर बनाते रहते हैं और उनका जो कैरेक्टर है छीट उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिवोल्यूशन वाला है जिसको ग्यूरा का नाम दिया हुआ है उन सभी कैरेक्टर के, के जो प्रोटोक के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो सभी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिल सकती है द मोटरसाइकिल डायरीज और आरआरआर के बीच में इसके अलावा चरण और रामचरण एन आर, उनका जो यंगर वर्जन है जो अल्लूरी रामा रजू और कोमरम भीम का जो एंगर वर्जन है उसके लिए बाद में कुछ प्लॉट लिखा हुआ था जिसको दिल्ली में एक्सप्लोर किया जाएगा नाइनटीन के दौरान और उस फाइट के दौरान कंट्री के लिए जो फाइट होने वाली थी उसके साथ में जो स्टोरी की जो एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करा हुआ है वो प्रॉपर वे में उन्होंने सेट किया हुआ है उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिटेलिंग दी हुई थी इसके अलावा जो ये तेलुगु ट्राइबल लीडर है उनके अराउंड जितनी भी घटनाएं घटी हुई है बचपन से अभी लेक अभी तक लेकर उन सभी चीज़ों के ऊपर वो डीप स्क्रिप्टिंग करने वाले ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी और उनके जो कैरेक्टर है उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ी डिटेल हुई थी दी हुई थी और उन्होंने कहा है कि ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया हुआ है अब उनका नाम टेंटेटिव आर 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 रखा हुआ है और उसके बाद राजा मौली ने ऑफिशियल टाइटल अनाउंस करते हुए कहा कि यूनिवर्सल टाइटल इस फिल्म का लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा जिसके लिए फिल्म बड़े स्केल पे एक ही नाम के साथ रिलीज की जाएगी कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तेलगु लैंग्वेज में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उनकी पहली तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट कास्ट की गई है वो कास्टिंग की जो अनाउंसमेंट होती है तब कहा गया था जहाँ पे वो सीता का रोल प्ले कर रही है अजय देवगन का एक एक्सटेंड कैम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा जिस तरह से मैंने आपको कहा सात आठ मिनट की जितना रोल है इसके अलावा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो भी उन्होंने अनाउंस के दौरान कहा था तमिल एक्टर समुथी रकानी उनको एक क्रिशल रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद कुछ समय के बाद डेजी एज जोन्स को फिल्म के एक ब्रिटिश एक्टर वो ब्रिटिश एक्टर है उनको रामा राव के अगेंस्ट यानी कि उनके अपोजिट कास्ट किया गया था लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते अप्रैल 2019 में वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद ओलिविया मोरिस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नवंबर 2019 को साइन किया गया था और उसी में ने हॉलीवुड के एक्टर रेश टिवटर जिन्होंने थोर में काम किया हुआ है उनको मेन एंटागोनिस जो स्कॉट वाला किरदार है विलन का किरदार है उसके लिए कास्ट किया गया था और उनके साथ एलिसन डूडी को भी एक लेडीस को उनको लेडीज स्कॉट के रोल के लिए कास्ट किया गया था उसके बाद चक्री वरुण बुद्धा देवस पंदन चतुर्वेदी जो एक जो सभी चाइल्ड आर्टिस्ट है और उन्होंने रामचरण एन टी आर भट्ट के यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था और डेडलाइन हॉलीवुड के जो इंटरव्यू आया था उसके दौरान जूनियर एन ने अनाउंस किया था कि वो उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने उसमें बात की हुई थी कि वो मेजर रिसर्च करके पोर्ट्रे कर रहे जिसके लिए उनको उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने में और आसानी हो और अपना जो फिजिकल अपीरेंस है उसको क्रिएट करने में उनको 18 महीने लगे हुए थे जून दो जून दो को कुछ रिपोर्टर्स ने क्लेम किया था कि अजय देवगन इस फिल्म में नेशनलिस्ट और मेंटर के तौर पे दिखाई देंगे जो कौमरम भीम और अल्लोरी सीताराम राजा रामाजू के नेशनलिस्ट और गुरु मेंटर के रोल में दिखाई देने वाले हैं हंस इंडिया जो एक जिन्होंने रिपोर्ट दी हुई थी कि अजय देवगन सेकंड हाफ में फिल्म के फ्लैशबैक के एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं और उनका स्क्रीन टाइम करीबन चालीस मिनट का हो सकता है और उसके बाद कीर्ति सुरेश और प्रिया मनी को कुछ रोल के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद श्रिया सरन को कास्ट किया गया था जून 2020 में वो कंफर्म हो चुका था इसके बाद अजय देवगन आलिया भट्ट एस एस राजा मोली आर 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 के लिए जो जुलाई 2020 में फिल्म को रिलीज करने वाले थे उनके लिए सभी चीज इन सभी कास्ट को बता दिया गया था कि ये फिल्म इस मौके पे आने वाले तो फिल्म की शूटिंग उस टाइप की कंप्लीट करवाने वाले इसके अलावा बाद में राहुल कृष्णन छत्रपति शेखर राजीव कनकाला को कुछ सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद फिल्म की डिजाइनिंग प्रोडक्शन डिजाइनिंग के ऊपर काम किया गया और एक प्रॉपर फर्स्ट शेड्यूल फिल्म का सेट किया गया जो हैदराबाद में था जहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस भी शूट किया गया था इसके अलावा मदुआ हाउस में कुछ सीक्वेंस के लिए कुछ एक्टर टेक्नीशियन के साथ वहाँ पे काम किया गया था इसके अलावा पाँच मिनट का एक की सीन है उसको भी टेक्नीशियन के थ्रू वहाँ फिल्माया गया था राजा मौलिक का एक नया ऑफिस है वहाँ पे कुछ क्रू मेम्बर के साथ एक लंबी डिस्कशन चली थी कि वो फिल्म का जो प्लॉट है वो जो हाउस है उसके रिगार्डिंग किस तरह से शूटिंग करने वाले इसके बाद जून 2020 में अट्ठारह करोड़ का खर्चा करके एक सेट क्रिएट किया गया था जहां पे एक प्रॉपर विलेज क्रिएट किया गया था लेकिन कोविड 19 के सिचुएशन के चलते वो सभी सिक्वेंस को शूट करने के लिए पोस्टपोन किया गया और उसके बाद रामाजी सीम सिटी है वहाँ पे दिल्ली का जो ट्वेंटी सेंचुरी की दिल्ली है उसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेट किया क्रिएट किया गया था जिसको बनाने के लिए टोटल पचास दिन का टाइम लगा था और उसके बाद एक्शन शेड्यूल सेट किया गया था जिसमें कुछ नाइट शूट्स भी सेट किए गए थे जिसके लिए काफ़ी ह्यूज सेट क्रिएट किया गया था जहाँ पे डायरेक्टर क्रू मेम्बर कुछ सॉन्ग की शूटिंग के लिए रामचरण और भट्ट के साथ अलिया भट्ट के साथ जो शूटिंग थी उसके लिए एक प्रॉपर सेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसको काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक जो दोस्ती गाना है जिसको जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात कर ग्यारह नवंबर 2018 को फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े सितारे जैसे प्रभास राणा दगुपति जो बाहुबली फ्रेंचाइज में दिखाई दिए थे वो प्रिंसिपल फोटोग्राफी के यानी पूजा सेरोमनी के दौरान दिखाई दिए थे इसके अलावा फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया गया जहाँ पे वडोदरा वडोदरा में भी फिल्म को शूट किया गया था हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था करीबन एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्म में हज़ार आर्टिस्ट का यूज़ किया गया था जो फरवरी 2019 में जो शूट हुआ था तब के समय उसके बाद फिल्म का कुछ चीज थी जो जो सिक्वेंस थे उसके लिए वडोदरा में फिल्म में फिल्माया गया था उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में कुछ सीन को शूट किया गया था इसके अलावा एनटीआर को कुछ छोटे मोटे इंजरी फिल्म में दिखाई दी थी जहाँ पे तो उसके चलते फिल्म के शेड्यूल को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था इसके अलावा फिल्म की म्यूज़िक की बात करें तो आरआरआर का जो साउंड ट्रैक है उसको इसको क्रिएट किया हुआ एमएम एम किरवानी ने और अन्नपूर्णा स्टूडियो के नीचे इसको प्रोड्यूस किया गया था जिसको टी सीरीज़ हिंदी वर्जन में लेबल कर रही है इसके अलावा उसका लहरी म्यूज़िक तेलुगु वर्जन को लेबल कर रहा है सभी वर्जन के लिए सभी अलग अलग आपको सिंगर और लिरिक आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं और सभी वर्जन के लिए तीन तीन गाने अभी तक रिलीज करवाए गए जहाँ पे तेलुगु वर्जन की बात करें तो दोस्ती जिसका लिरिक्स लिखा हुआ श्रीनिवेला सीताराम शास्त्री ने सिंगर थे वेदला हेमा चंद्र लिरिक्स यानी कि गाने की जो लेंथ थी वो थी पाँच मिनट चालीस सेकंड वहीं पे नाटू नाटू जो दूसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है चंद्र बोस ने सिंगर थे राहुल सिपलिंगजा और काला भैरव और गाने की लेन थी तीन मिनट चौंतीस सेकंड चंद जो तीसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है एम एम किरवानी जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है गाया भी उन्होंने ये एम एम किरवानी ने गाने की लें थे तीन मिनट आठ सेकंड इस तरह से बारह मिनट और तेईस सेकंड सेकंड के सभी वर्जन के आपको गाने सुनने को मिलेंगे साउंड ट्रैक अभी तक बारह मिनट तेईस सेकंड का लॉन्च किया गया है इसके अलावा फिल्म को फाइनली सात जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल करवाया गया है जहां पे आपको ये फिल्म सभी वर्जन में देखने को मिलेगी यानी कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में देखने को मिलेगी जहां पे तेलुगु मेन लैंग्वेज है बाकी सब डब वर्जन है ये फिल्म पहले 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फरवरी 2020 में फिल्म को पोस्टपोन किया गया जहां पे 8 जनवरी 2021 को संक्रांति के मौके पर फिल्म के रिलीज डेट फाइनल की गई थी लेकिन नवंबर नवंबर 2020 में राजा मौली ने फिर से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि फिल्म की शूटिंग के वक्त थोड़े बहुत चीज़ें कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूट नहीं हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी लेट हो रही तो फिल्म थोड़ी लेट रिलीज़ की जाएगी बाद में पाँच पच्चीस जनवरी दो को रिपब्लिक डे के मौके पर फिल्म को रिलीज करने का अनाउंस किया गया लेकिन तब उसके बाद फिल्म की एक नई रिलीज अनाउंस डेट करी गई जिसका डेट था तेरह अक्टूबर दो लेकिन कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते फिल्म को और

फिल्म का प्री रिलीज़ बिजनेस 400 करोड़ बताया जा रहा है फिल्म को प्री रिलीज डील की हुई जो टोटल कुछ रिवील हुए वो 890 करोड़ है जो अभी तक इंडियन फिल्मों में जितनी भी फिल्में उसमें हाईएस्ट है डोमेस्टिक थिएटिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है उस रीजन के लिए एक करोड़ में उसके राइट्स बेचे गए जो फरवरी 2021 को पता चला हुआ था उसके बाद लाइक का प्रोडक्शन जिन्होंने तमिल वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया हुआ है थिएटिकली उन्होंने 48 करोड़ इस फिल्म की प्राइस से दी हुई है इसके अलावा पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए जो राइट्स खरीदे हुए पेन मरुधार एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे उन्होंने इस फिल्म के सैटेलाइट डिजिटल राइट्स सभी वर्जन के लिए खरीदे हुए तो नॉर्थ इंडिया थिएटिकल राइट्स उन्होंने 140 करोड़ में खरीदे हुए केरला और कर्नाटका जहाँ पे मलयालम और का में कन्नड़ा और लैंग्वेज चलती है उस वर्जन के लिए जो थिएटिकल राइट्स है वो केरला के लिए 15 करोड़ और कर्नाटक के लिए 45 करोड़ में बेचे गए थे इसके अलावा ओवरसीज जो राइट्स है फिल्म के रिगार्डिंग उसको फ्रांस फिल्म को बेचे गए जिसका टोटल सत्तर करोड़ में बेचे गए फिल्म की मार्केटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें अलग अलग अपनाई जा रही है जहाँ पे राइज रिवर्ट के नाम से फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा और साथ ही में सभी वर्जन के लिए अलग अलग कुछ नाम सामने आए थे और एक प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन जैसा कुछ उन्होंने शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया हैंडल पे के आरआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है उसके बाद राइज राइज रोअर रिवोल्ट फिल्म का नाम सेट किया गया था और उसके बाद 2021 मई में पेन स्टूडियो ने अनाउंस किया हुआ था कि तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा सभी के जो राए, डिजिटल राइट है जी फाइव को बेचे गए हिंदी इंग्लिश पोर्टुगीज कोरियन तर्की स्पेनिश वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे गए इसके अलावा जी नेटवर्क ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए स्टार इंडिया नेटवर्क ने इस फिल्म के राइट्स तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन के लिए खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के कंबाइंड डील की गई है जहां पे पोस्ट थ्रेटिकल जो स्ट्रीमिंग राइट्स से, है सेटेलाइट राइट्स से, है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से तीन करोड़ में भेजे गए इसके अलावा फिल्म के कुछ कैरेक्टर इश्यू भी किए हुए थे और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बाद में उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया था अब देखने वाली बात यह है कि 400 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने पहले ही प्री बिजनेस इतना कर लिया है तो अब थिएटर में बाहुबली की जैसी फिल्मों को हिट करवाने वाले डायरेक्टर राजा मोल मोलिये साथ ही है, साथी में बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सुपरस्टार अजय देवगन सुपरस्टार जूनियर एन रामचरण ऐसे एक्टर देखने को मिल रही है तो ये फिल्म चार करोड़ के बजट में बनी कम से कम हजार करोड़ तो कमा सकती है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये फिल्म आपको कैसे और कितना का बिजनेस करके देती है अगर फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म काफ़ी बढ़िया बिजनेस करेगी और अभी तक राजा मौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उनकी अभी तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फिल्म का प्री बिजनेस काफ़ी हाई है अब बात करें इस फिल्म के रिगार्डिंग और डिटेलिंग दूं तो इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जैसे कि मैंने बताया कि जी ने खरीदा हुआ है तो जी सिनेमा पे यह फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है टेलीविजन पे इसके बाद हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स के पास ओ टी टी है तो पहले उससे पहले ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है इस वजह से थिएटरिकल रिलीज़ के बाद करीबन एक महीने के बाद ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी और रिस्पेक्टिवली दूसरे दूसरे लैंग्वेज में ये फिल्म भी जिसके जो तेलुगू तमिल कन्नड़ा और मलयालम राइट्स है वो स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए हैं तो उनके टीवी चैनल पे रिलीज हो गए उसके बाद वो टी -टी, उनका जो हॉटस्टार है उस पर भी ये फिल्म देखने को मिलेगी दूसरे कुछ वर्जन है इंटरनेशनल वर्जन वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगे तो कहाँ पे और कब कैसे रिलीज होगी उसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है आर 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 जो इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक अपकमिंग मूवी है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है एस एस राजा ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा यानी कि स्क्रीन प्ले डिरेक्शन एस एस राजा मौली का है इसके अलावा स्टोरी की बात करें तो वो लिखी हुई है के वी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के डायलॉग लिखे हुए साई माधव बुर्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे डी वी वी दनैया फिल्म के लीड कास्ट की बात कर ले तो एन टी आर रामा राव जूनियर साथी में रामचरण आलिया भट्ट अजय देवगन इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो संपन्दन चतुर्वेदी ओलिवस मोरिस समुथी रकानी एलिसन डूडी रेस टेविसन श्रिया सरन अरुण सागर इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकला राहुल रामाकृष्णन ये सभी लोग भी देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिगार्डिंग और डीप टेक्निकल मामले में तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है के के कुमार ने एडिटिंग का देखने को मिलेगी श्रीकर प्रसाद की फिल्म का म्यूजिक सुनने को मिलेगा एम एम किरवानी का जो हर बार राजा मौली की फिल्मों के लिए म्यूजिक देते आ रहे हैं फिल्म की स्टोरी के लिए के विजेंद्र प्रसाद ही राजा मौली की फिल्मों की स्टोरी लिखते हैं इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डी एंटरटेनमेंट जिनको टीबी एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को डी बी धनैया ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए लाइका प्रोडक्शन ने तमिलनाडु के लिए इसके अलावा केवीएन प्रोडक्शन ने कर्नाटक के लिए ये एक प्रॉपर पेन इंडिया फिल्म है जिसके लिए सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं सभी लैंग्वेज में सभी राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है पांच मेन लैंग्वेज यानी कि इंडिया के लिए पांच लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है जो है हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा इसके अलावा ये फिल्म दूसरी लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो इस फिल्म को फिलहाल के लिए सात जनवरी दो की डेट फिक्स की गई है थिएटर रिलीज के लिए वैसे तो फिल्म कई बार पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना के चलते लेकिन अब ये डेट फाइनल हो चुकी है तो आने वाले समय में ये फिल्म आपको 7 जनवरी 2022 से थिएटर में देखने को मिल जाएगी इससे पहले इस फिल्म का टीजर और ग्लीम्स आ चुके हैं कैरेक्टर इंट्रो भी देखने को मिल चुका है अब फिल्म का फाइनल ट्रेलर आने वाला है जो पहले करीबन दिसंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला था लेकिन अब उसकी डेट थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया है इसके अलावा फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 400 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है फिल्म की पूरी शूटिंग तेलुगु लैंग्वेज में की गई है बाकी सभी वर्जन यानी कि तमिल मलयालम कन्नड़ा हिंदी इन सभी में डब किया गया है जिस तरह से बाहुबली को बनाया गया था ठीक उसी तरह से फिल्म को बनाया गया है फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा रखा गया है जिसकी वजह से बजट काफ़ी हाई देखने को मिलता है इसके अलावा फिल्म के जो कैरेक्टर है कास्टिंग है उसके रिगार्डिंग बात करें तो आपको एन टी आर रामा राव जूनियर जो कोमरम भीम के रोल में दिखाई देते हैं जो एक ट्रिबल लीडर थे ट्राइबल गोंड ट्राइबल लीडर थे तेलंगाना के लिए जिन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो लाइब्रेजेशन थे हैदराबाद स्टेट के उनके अगेंस्ट फाइट की हुई थी और उन्हीं का जो यंग वर्जन है यंग कोमराम भीम वो रोल प्ले कर रहे चक्री रामचरण जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है जिसका रो रोल है अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि वो अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले कर रहे जो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे साथ ही में ट्राइबल लीडर भी थे आंध्र आंध्र प्रदेश के और वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान उनके तरफ फाइट की हुई थी वरुण बुद्धादेव जो यंग अल्लूरी सीतारामा राजू का रोल प्ले करेंगे अजय देवगन जिनका फिल्म एक एक्सटेंड केम्योपीरियस देखने को मिलेगा जिनका फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितना रोल देखने सॉरी सात आठ मिनट जितना रोल देखने को मिलता है लेकिन वो रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एन टी आर रामा जूनियर और रामचरण के ऊपर वाला कुछ कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर ये दोनों एक्टर यानी कि ये दोनों कैरेक्टर है जो कोम भीम और अल्लि सीता राजू उनके शायद गुरु भी हो सकते हैं या तो उनके उनके ऊपर के लीडर या उनके रोल मॉडल ऐसा कुछ तो दिखाया होगा फिल्म में आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले कर रही है उनका भी कैरेक्टर इंट्रो देखने को मिला था उनका लुक काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है साथ ही में उनके रोल के ऊपर बात करें तो उनको करीबन पंद्रह मिनट तक का स्क्रीन प्रेजेंस मिला है फिल्म में क्योंकि ये फिल्म ज़्यादातर कोमराम भीम और अल्वरी सीतारामा राजू के ऊपर फोकस है जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा छोटा लिखा गया है स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम है स्पंदन चतुर्वेदी जो यंग सीता का रोल प्ले कर रही है जो आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले करे, उनका यंग वाला वर्जन स्पंदन चतुर्वेदी उस रोल में दिखाई देती है ओलिविया मोरिस जो जेनिफर के रोल में दिखाई देती है उनका भी एक कैरेक्टर इंट्रो दिया गया था इसके अलावा समुति रकानी का रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है एल्सन डूडी जो लेडी स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं न जो स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं साथ ही में श्रिया सरन जिनका एक केमी अपीरियंस है जो सरंजी के रोल में दिखाई देती है जिनका कैरेक्टर अजय देवगन के साथ सेट किया हुआ है वो हमें जन्नी गाने के दौरान पता चलता है उन उसका जो एक लिरिकल वीडियो आया था तब उनका भी फेस उस पर रिवील किया गया था अरुण सागर जिनका भी फिल्म में कैमियो अपीरियंस है रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकाला, राहुल रामाकृष्णन इन जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं लेकिन अभी तक किसी का भी रोल इसमें से डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है तो आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज होगी या ट्रेलर आएगा तब शायद उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है अदरवाइज जो एन टी रामा राव का कैरेक्टर है कोमरम भीम रामचरण का जो कैरेक्टर है अल्लूरी सीता राजू उनके ऊपर और थोड़ा डीप में पता चल सकता है ये एक फिक्शनल स्टोरी बताई जा रही है राजा मौली ने कहा है कि एक फिक्सनल स्टोरी है जो दो लेजेंडरी रेवोल्यूशनर कैरेक्टर है उसके ऊपर एक फिक्सनल स्टोरी लिखी जा रही है हालांकि फिल्म की स्टोरी ट्रू इंसिडेंट से बेस्ड भी बताई जा रही है तो उनके घर से वो बाहर जब निकलते तो उनकी जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई गई है जहाँ पे वो उन्नीस में अपनी कंट्री के लिए जो फाइट कर रहे जो एक क्रांतिकारी वाला किरदार है उस टाइप की फिल्म की स्टोरी रखी गई है जो फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था वो भी काफी अमेजिंग नजर आ रहा था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार नजर आ रहा था इसके अलावा फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की बात करें तो अक्टूबर 2017 एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे राजा मौली ने अनाउंस किया था यानी कि अपना सेकंड प्रोजेक्ट बाहुबली 2 कंक्लूजन जिसके प्रोड्यूसर डीवीवी एंटरटेनमेंट और के नारायण थे जो बाहुबली 2 के बाद जो दो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे उसके लिए ये प्रोड्यूसर सेठ है ऐसा उन्होंने अनाउंस किया था फिल्म का नाम प्रॉपर अभी तक रिवील नहीं हुआ था। उसके बाद वो बोल रहे थे कि वो एक सोशल ड्रामा फिल्म बनाने वाले हैं, जो नारायण के प्रोडक्शन के नीचे महेश बाबू के साथ बनेगी जो नवंबर 2017 में राजा मौली ने एन टी आर रामा राव जूनियर और रामचरण चरण के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट शेयर की हुई थी और उन्होंने एक हिंट दी कि वो इनके साथ फिल्म करने वाले उसके बाद फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो मार्च 2018 को की की गई थी और फिल्म को टेंटेटिव टाइटल है वो आर 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 दिया गया था के वी विजय प्रसाद जिन्होंने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी हुई है और राजा मौली ने फिल्म की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले को बनाया हुआ है जिसके लिए फिल्म के इन सभी चीज़ों के लिए छः महीने एक्स्ट्रा लगे थे सितंबर 2018 का महीना तब साईमाधव बुर्रा ने फिल्म के डायलॉग्स के लिए प्रोजेक्ट को साइन किया हुआ था उन्होंने पहले प्राइमरी जो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज उसके लिए डायलॉग लिखे थे इसके अलावा जो दूसरे वर्जन है जैसे कि तमिल वर्जन उसके लिए माधवी कार्की ने डायलॉग लिखे हुए वरदा वर्धा राजू चिक्का बल्लापुरा जिन्होंने कन्नड़ा वर्जन के लिए डायलॉग लिखे हुए साथ ही में कोबू गोपाल कृष्णन जिनको मलयालम वर्जन के लिए चूज किया गया था और रिया मुखर्जी जिनको हिंदी वर्जन के लिए चूज किया गया था और उसके बाद राजा मौली ने अपने जो पहले के प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निकियन थे जो सिनेमाटोग्राफर है म्यूजिशियन है उन्हीं को इस फिल्म में लिया गया है वो ज्यादातर कंसिस्टेंटली अपने सभी क्रू और कास्ट और टीम मेंबर के साथ टेक्नीशियन के साथ काम करते हुए नजर आए जैसे कि एम एम किरवानी जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा से रहे के के सैंथल कुमार जो हमेशा से डीओपी यानी कि सिनेमेटोग्राफर का काम करते हुए नज़र आते श्रीकार प्रसाद जो फिल्म हमेशा एडिट करते हुए नजर आते साबू सरेली जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर दिखाई देंगे वी श्रीनिवास मोहन जो विजुअल इफेक्ट सुपरविजन करते हुए दिखाई देते हैं साथ ही में रामा राजा मोली जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के, के लिए काम करते निक पोवेल जो स्टंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी जो कोरियोग्राफी है जो सेक्शन सीक्वेंस है उसके लिए भी उनको ही चूज किया गया है तो इस फिल्म के लिए जितने भी जो टेक्नीशियन है जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादातर राजा मौली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ तक कि फिल्म के जो एक्टर है एन टी आर रामा राव जूनियर रामचरण वो भी पहले काम कर चुके हैं जहाँ पे रामचरण के आपको आपने मगधीरा भी देखी होगी अजय देवगन के साथ उन्होंने मक्खी में काम किया हुआ था काम मतलब कि अजय देवगन का एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है मक्खी फिल्म में तो यानी कि राजा मौली अपने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ ही में टेक्निशियन उन सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए ज़्यादा नजर आते और उनका जो विजन है वो काफ़ी हाई लेवल वाला है जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बजट वाला बनता है ख़ास करके जब से बाहुबली सीरीज़ आई उसके बाद उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को काफ़ी ध्यान रहता है अब बात कर लेते हैं फिल्म के डेवलपमेंट की थोड़े आगे की तो फिल्म का जो प्रोडक्शन है रामा राव जूनियर और चरण के साथ एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया गया था यानी जब फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो, तो एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया था मिड अक्टूबर 2018 को जहां पे रामा राव और चरण का जो कैरेक्टर है उनको वो डीप में समझाने के लिए साथ ही में उनको एक फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए अपने रोल के लिए किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है वो डीपली सभी मिलकर एक मीटिंग और एनालिसिस करके उस जो वर्कशॉप है उसके थ्रू कैरेक्टर को पकड़ते उस चीज़ के लिए वो टाइम दिया गया था उसके बाद मार्च 2019 हज़ार उन्नीस जहाँ पे राजा मोली ने रिवील किया हुआ था कि फ़िल्म का जो कोर और आइडिया है जो बेसिक लाइन है वो द मोटरसाइकिल डायरी से दो जो दो हज़ार की मूवी है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर नज़र आ सकता है और उनके जो उन्होंने पहले भी ऐसी बात बताई हुई है कि उनकी जो फिल्में हैं उसमें जो फाइट सीक्वेंस होते हैं जो कुछ कैरेक्टर है वो हॉलीवुड मूवी से ज़्यादातर इंस्पायर होकर बनाते रहते हैं और उनका जो कैरेक्टर है छीट उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिवोल्यूशन वाला है जिसको गेरा का नाम दिया हुआ है उन सभी कैरेक्टर के जो प्रोटोक के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो सभी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिल सकती है द मोटरसाइकिल डायरीज और आरआरआर के बीच में इसके अलावा चरण और रामचरण एन उनका जो यंगर वर्जन है जो अल्लूरी रामाजू और कोमरम वीम का जो एंगर वर्जन है उसके लिए बाद में कुछ पोपलॉट लिखा हुआ था जिसको दिल्ली में एक्सप्लोर किया जाएगा नाइन्टीन के दौरान और उस फाइट के दौरान कंट्री के लिए जो फाइट होने वाली थी उसके साथ में जो स्टोरी की जो एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करा हुआ है वो प्रॉपर वे में उन्होंने सेट किया हुआ है उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिटेलिंग दी हुई थी इसके अलावा जो ये तेलुगु ट्राइबल लीडर है उनके अराउंड जितनी भी घटनाएं घटी हुई है बचपन से अभी लेक अभी तक लेकर उन सभी चीज़ों के ऊपर वो डीप स्क्रिप्टिंग करने वाले ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी और उनके जो कैरेक्टर है उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ी डिटेल हुई थी दी हुई थी और उन्होंने कहा है कि ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया हुआ है अब उनका नाम टेंटेटिव आर रखा हुआ है और उसके बाद राजा मौली ने ऑफिशियल टाइटल अनाउंस करते हुए कहा कि यूनिवर्सल टाइटल इस फिल्म का लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा जिसके लिए फिल्म बड़े स्केल पे एक ही नाम के साथ रिलीज की जाएगी कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तेलगु लैंग्वेज में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उनकी पहली तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट कास्ट की गई है वो कास्टिंग की जो अनाउंसमेंट होती है तब कहा गया था जहाँ पे वो सीता का रोल प्ले कर रही है अजय देवगन का एक एक्सटेंड कैम्यू अपेरेंस देखने को मिलेगा जिस तरह से मैंने आपको कहा सात आठ मिनट की जितना रोल है इसके अलावा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो भी उन्होंने अनाउंस के दौरान कहा था तमिल एक्टर समुथी रकानी उनको एक क्रिशल रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद कुछ समय के बाद डेजी एज जोन्स को फिल्म के एक ब्रिटिश एक्टर वो ब्रिटिश एक्टर है उनको रामा राव के अगेंस्ट यानी कि उनके अपोजिट कास्ट किया गया था लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते अप्रैल 2019 में वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद ओलिविया मोरिस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नवंबर 2019 को साइन किया गया था और उसी में ने हॉलीवुड के एक्टर रेश टिवटर जिन्होंने थोर में काम किया हुआ है उनको मेन एंटागोनिस जो स्कॉट वाला किरदार है विलन का किरदार है उसके लिए कास्ट किया गया था और उनके साथ एलिसन डूडी को भी एक लेडीस को उनको लेडीज स्कॉट के रोल के लिए कास्ट किया गया था उसके बाद चक्री वरुण बुद्धा देवस पंदन चतुर्वेदी जो एक जो सभी चाइल्ड आर्टिस्ट है और उन्होंने रामचरण एन टी आर भट्ट के यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था और डेडलाइन हॉलीवुड के जो इंटरव्यू आया था उसके दौरान एन टी ने अनाउंस किया था कि वो उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने उसमें बात की हुई थी कि वो पोर्ट्रे कर रहे जिसके लिए उनको उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने में और आसानी हो और अपना जो फिजिकल अपीरेंस है उसको क्रिएट करने में उनको अट्ठारह महीने लगे हुए थे जून दो जून दो को कुछ रिपोर्टर्स ने क्लेम किया था कि अजय देवगन इस फिल्म में नेशनलिस्ट और मेंटर के तौर पे दिखाई देंगे जो कौमरम भीम और अल्लोरी सीताराम राजा रामाजू के नेशनलिस्ट और गुरु मेंटर के रोल में दिखाई देने वाले हैं हंस इंडिया जो एक जिन्होंने रिपोर्ट दी हुई थी कि अजय देवगन सेकंड हाफ में फिल्म के फ्लैशबैक के एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं और उनका स्क्रीन टाइम करीबन 40 मिनट का हो सकता है और उसके बाद कीर्ति सुरेश और प्रिया मनी को कुछ रोल के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद श्रिया सरन को कास्ट किया गया था जून 2020 में वो कंफर्म हो चुका था इसके बाद अजय देवगन आलिया भट्ट एस एस राजा मोली आरआरआर आर आर के लिए जो जुलाई 2020 में फिल्म को रिलीज करने वाले थे उनके लिए सभी सभी चीज़ इन कास्ट को बता दिया गया था कि इसके अलावा बाद में राहुल रामाकृष्णन छत्रपति शेखर राजीव कना को कुछ सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद फिल्म की डिजाइनिंग प्रोडक्शन डिजाइनिंग के ऊपर काम किया गया और एक प्रॉपर फर्स्ट शेड्यूल फिल्म का सेट किया गया जो हैदराबाद में था जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस भी शूट किया गया था इसके अलावा मदुआ हाउस में कुछ सिक्वेंस के लिए कुछ एक्टर टेक्नीशियन के साथ वहाँ पे काम किया गया था इसके अलावा पाँच मिनट का एक की सीन है उसको भी टेक्नीशियन के थ्रू वहाँ फिल्माया गया था राजा मौलिक का एक नया ऑफिस है वहाँ पे कुछ क्रू मेंबर के साथ एक लंबी डिस्कशन चली थी कि वो फिल्म का जो प्लॉट है वो जो हाउस है उसके रिगार्डिंग किस तरह से शूटिंग करने वाले हैं इसके बाद जून 2020 में अट्ठारह करोड़ का खर्चा करके एक सेट क्रिएट किया गया था जहां पर एक प्रॉपर विलेज क्रिएट किया गया था लेकिन कोविड 19 के सिचुएशन के चलते वो सभी सिक्वेंस को शूट करने के लिए पोस्टपोन किया गया और उसके बाद रामाजी फिल्म सिटी है वहाँ पे दिल्ली का जो ट्वेंटी सेंचुरी की दिल्ली है उसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेट किया क्रिएट किया गया था जिसको बनाने के लिए टोटल पचास दिन का टाइम लगा था और उसके बाद एक्शन शेड्यूल सेट किया गया था जिसमें कुछ नाइट शूट्स भी सेट किए गए थे जिसके लिए काफ़ी ह्यूज सेट क्रिएट किया गया था जहाँ पे डायरेक्टर क्रू मेम्बर कुछ सॉन्ग की शूटिंग के लिए रामचरण और भट्ट के साथ अलि भट्ट के साथ जो शूटिंग थी उसके लिए एक प्रॉपर सेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसको काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक जो दोस्ती गाना है जिसको जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात करें ग्यारह नवंबर 2018 को फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े सितारे जैसे प्रभास राणा दगुपति जो बाहुबली फ्रेंचाइज में दिखाई दिए थे वो प्रिंसिपल फोटोग्राफी के यानी पूजा सेरेमनी के दौरान दिखाई दिए थे इसके अलावा फ़िल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया गया जहाँ पे वडोदरा वडोदरा में भी फिल्म को शूट किया गया था हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था करीबन एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्म में हज़ार आर्टिस्ट का यूज़ किया गया था जो फरवरी 2019 में जो शूट हुआ था तब के समय उसके बाद फिल्म का कुछ चीज़ थी जो जो सिक्वेंस थे उसके लिए वडोदरा में फिल्म में फिल्माया गया था उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में कुछ सीन को शूट किया गया था इसके अलावा एनटीआर को कुछ छोटी मोटी इंजरी फिल्म में दिखाई दी थी जहाँ पे तो उसके चलते फिल्म के शेड्यूल को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो आरआरआर का जो साउंड ट्रैक है उसको इसको क्रिएट किया हुआ एम एम किरवानी ने और अन्नपूर्णा स्टूडियो के नीचे इसको प्रोड्यूस किया गया था जिसको टी सीरीज़ हिंदी वर्जन में लेबल कर रही है इसके अलावा उसका लहरी म्यूज़िक तेलुगु वर्जन को लेबल कर रहा है सभी वर्जन के लिए सभी अलग अलग आपको सिंगर और लिरिक आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं और सभी वर्जन के लिए तीन तीन गाने अभी तक रिलीज करवाए गए जहाँ पे तेलुगु वर्जन की बात करें तो दोस्ती जिसका लिरिक्स लिखा हुआ श्रीनी वेदला सीतारामा शास्त्री ने सिंगर थे वेदला हेमा चंद्र लिरिक्स यानी कि गाने की जो लेंथ थी वो थी पाँच मिनट चालीस सेकंड वहीं पे नाटू नाटू जो दूसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है चंद्रा बोस ने सिंगर थे राहुल सिपलिंगजा और काला भैरावा और गाने की लेंथ थी तीन मिनट चौंतीस सेकंड चन्नी जो तीसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है एम एम किरवानी जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है गाया भी उन्होंने ये एम एम किरवानी ने गाने की लेंथ है तीन मिनट आठ सेकंड इस तरह से बारह मिनट और तेईस सेकंड के सभी वर्जन के आपको गाने सुनने को मिलेंगे साउंड ट्रैक अभी तक बारह मिनट तेईस सेकंड का लॉन्च किया गया है इसके अलावा फिल्म को फाइनली सात जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल करवाया गया है जहां पे आपको ये फिल्म सभी वर्जन में देखने को मिलेगी यानी कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में देखने को मिलेगी जहां पे तेलुगु मेन लैंग्वेज है बाकी सब डब वर्जन है ये फिल्म पहले 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फरवरी 2020 में फिल्म को पोस्टपोन किया गया जहां पे 8 जनवरी 2021 को संक्रांति के मौके पर फिल्म के रिलीज डेट फाइनल की गई थी लेकिन नवंबर नवंबर 2020 में राजा मौली ने फिर से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि फिल्म की शूटिंग के वक्त थोड़े बहुत चीज़ें कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूट नहीं हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी लेट हो रही तो फिल्म थोड़ी लेट रिलीज की जाएगी बाद में पाँच जनवरी दो को रिपब्लिक डे के मौके पर फिल्म को रिलीज करने का अनाउंस किया गया लेकिन तब उसके बाद फिल्म की नए एक नई रिलीज अनाउंस डेट करी गई जिसका डेट था तेरह अक्टूबर दो लेकिन कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते फिल्म को और और पोस्टपोन किया गया जिसके बाद अक्टूबर 2021 को फिल्म को थिएटरिकली रिलीज करने का शेड्यूल किया गया लेकिन तब भी मौका नहीं बना बाद में फिल्म को फिर से पोस्टपोन करते हुए फाइनली सात जनवरी दो को फिक्स किया गया है। जहाँ पे फिल्म तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल मलयालम कन्नडा सभी डब वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म डब करके रिलीज़ की जाएगी फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस चार करोड़ बताया जा रहा है फिल्म को प्री रिलीज डील की हुई जो टोटल कुछ रिवील हुए वो आठ करोड़ है जो अभी तक इंडियन फिल्मों में जितनी भी फिल्में उसमें हाइएस है डोमेस्टिक थिएटिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है उस रीजन के लिए एक करोड़ में उसके राइट्स बेचे गए जो फरवरी दो को पता चला हुआ था उसके बाद लाइक का प्रोडक्शन जिन्होंने तमिल वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया हुआ है थिएटिकली उन्होंने 48 करोड़ इस फिल्म की प्राइस से दी हुई है इसके अलावा पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए जो राइट्स खरीदे हुए पेन मरुदार एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे उन्होंने इस फिल्म के सैटेलाइट डिजिटल राइट्स सभी वर्जन के लिए खरीदे हुए तो नॉर्थ इंडिया थिएटिकल राइट्स उन्होंने 140 करोड़ में खरीदे हुए केरला और कर्नाटका जहाँ पे मलयालम और कर्नाटका में और लैंग्वेज चलती है उस वर्जन के लिए जो थिएटिकल राइट्स है वो केरला के लिए 15 करोड़ और कर्नाटक के लिए 45 करोड़ में बेचे गए थे इसके अलावा ओवरसीज जो राइट्स है फिल्म के रिगार्डिंग उसको फ्रांस फिल्म को बेचे गए जिसका टोटल सत्तर करोड़ में बेचे गए फिल्म की मार्केटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें अलग अलग अपनाई जा रही है जहाँ पे राइज रिवर्ल्ड के नाम से फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा और साथ ही में सभी वर्जन के लिए अलग अलग कुछ नाम सामने आए थे और एक प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन जैसा कुछ उन्होंने सेट किया हुआ था सोशल मीडिया हैंडल पे के आरआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है उसके बाद राइज वॉल्ट राइज रिवो, रोअल रिवोल्ट फिल्म का नाम सेट किया गया था और उसके बाद 2021 मई में पेन स्टूडियो ने अनाउंस किया हुआ था कि तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा सभी के जो राय डिजिटल राइट्स से जी को बेचे गए हिंदी इंग्लिश पोर्टोगीज कोरियन तर्की स्पेनिश वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे गए इसके अलावा जी नेटवर्क ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए स्टार इंडिया नेटवर्क ने इस फिल्म के राइट्स तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा वर्जन के लिए खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के कंबाइंड डील की गई है जहां पे पोस्ट थ्रेटिकल जो स्ट्रीमिंग राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से तीन करोड़ में बेचे गए इसके अलावा फिल्म के कुछ कैरेक्टर इश्यू भी किए हुए थे और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बाद में उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया था अब देखने वाली बात यह है कि 400 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने पहले ही प्री बिजनेस इतना कर लिया है तो अब थिएटर में बाहुबली की जैसी फिल्मों को हिट करवाने वाले डायरेक्टर राजा मोल ही है साथ ही में बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सुपरस्टार अजय देवगन सुपरस्टार जूनियर एन रामचरण ऐसे एक्टर देखने को मिल रही है तो ये फिल्म चार करोड़ के बजट में बनी कम से कम हज़ार करोड़ तो कमा सकती है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये फिल्म आपको कैसे और कितना का बिजनेस करके देती है अगर फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म काफ़ी बढ़िया बिजनेस करेगी और अभी तक राजा मौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उनकी अभी तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फिल्म का प्री बिजनेस काफ़ी हाई है अब बात करें इस फिल्म के रिगार्डिंग और डिटेलिंग दूँ तो इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जैसे कि मैंने बताया कि जी ने खरीदा हुआ है तो जी सिनेमा पे यह फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है टेलीविजन पे इसके बाद हिंदी डब वर्जन नेटफ्लिक्स के पास ओ टी टी राइट्स है तो पहले उससे पहले ओ टी टी नेटफ्लिक्स के पास है इस वजह से थिएटरकल रिलीज़ के बाद करीबन एक महीने के बाद ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी और रिस्पेक्टिवली दूसरे दूसरे लैंग्वेज में ये फिल्म भी जिसके जो तेलगू तमिल कन्नड़ा और मलयालम राइट्स है वो स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए तो उनके टीवी चैनल पे रिलीज हो गए उसके बाद वो टी -टी, उनका जो हॉटस्टार है उस पर भी ये फिल्म देखने देखने को को मिलेगी दूसरे कुछ वर्जन वर्जन है इंटरनेशनल वर्जन, वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगे तो कहां पे और कब कैसे रिलीज होगी उसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है आर 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 जो इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक अपकमिंग मूवी है जिसको डायरेक्ट किया हुआ एस एस राजा मोहली ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा यानी कि स्क्रीन प्ले डिरेक्शन एस एस राजा मौली का है इसके अलावा स्टोरी की बात करें तो वो लिखी हुई है के वी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के डायलॉग लिखे हुए साई माधव बुर्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे डी वी वी दनैया फिल्म के लीड कास्ट की बात कर ले तो एन टी आर रामा राव जूनियर साथी में रामचरण आलिया भट्ट अजय देवगन इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो संपंदन चतुर्वेदी ओलिवस मोरिस समूथी रकानी एलिसन डूडी रेश टेविसन श्रिया सरन अरुण सागर इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कनकाला राहुल रामाकृष्णन ये सभी लोग भी देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिगार्डिंग और डीप टेक्निकल मामले में तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है के के कुमार ने एडिटिंग का देखने को मिलेगी श्रीकर प्रसाद की फिल्म का म्यूजिक सुनने को मिलेगा एम एम किरवानी का जो हर बार राजा मौली की फिल्मों के लिए म्यूजिक देते आ रहे हैं फिल्म की स्टोरी के लिए के विजेंद्र प्रसाद ही राजा मौली की फिल्मों की स्टोरी लिखते हैं इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डी एंटरटेनमेंट जिनको टी एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को डी बी धनैया ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए लाइका प्रोडक्शन ने तमिलनाडु के लिए इसके अलावा केवीएन प्रोडक्शन ने कर्नाटक के लिए ये एक प्रॉपर पेन इंडिया फिल्म है जिसके लिए सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं सभी लैंग्वेज में सभी राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे इस फिल्म को टोटल पांच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है पांच मेन लैंग्वेज यानी कि इंडिया के लिए पांच लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है जो है हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा इसके अलावा ये फिल्म दूसरी लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं फ़िल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो इस फिल्म को फ़िलहाल के लिए सात जनवरी दो की डेट फिक्स की गई है थिएटर रिलीज़ के लिए वैसे तो फिल्म कई बार पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना के चलते लेकिन अब ये डेट फाइनल हो चुकी है तो आने वाले समय में ये फिल्म आपको सात जनवरी दो से थिएटर में देखने को मिल जाएगी इससे पहले इस फिल्म का टीजर और ग्लीम्स आ चुके हैं कैरेक्टर इंट्रो भी देखने को मिल चुका है अब फिल्म का फाइनल ट्रेलर आने वाला है जो पहले करीबन दिसंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला था लेकिन अब उसकी डेट थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया है इसके अलावा फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 400 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है फिल्म की पूरी शूटिंग तेलुगु लैंग्वेज में की गई है बाकी सभी वर्जन यानी कि तमिल मलयालम कन्नड़ा हिंदी इन सभी में डब किया गया है जिस तरह से बाहुबली को बनाया गया था ठीक उसी तरह से फिल्म को बनाया गया है फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा रखा गया है जिसकी वजह से बजट काफ़ी हाई देखने को मिलता है इसके अलावा फिल्म के जो कैरेक्टर है कास्टिंग है उसके रिगार्डिंग बात करें तो आपको एन टी आर रामा राव जूनियर जो कोमरम भीम के रोल में दिखाई देते हैं जो एक ट्रीबल लीडर थे ट्राइबल गोंड ट्राइबल लीडर थे तेलंगाना के लिए जिन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो लाइब्रेजेशन थे हैदराबाद स्टेट के उनके अगेंस्ट फाइट की हुई थी और उन्हीं का जो यंग वर्जन है यंग कोमराम भीम वो रोल प्ले कर रहे चक्री रामचरण जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है जिसका लो रोल है अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि वो अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले कर रहे जो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे साथ ही में ट्राइबल लीडर भी थे आंध्र आंध्र प्रदेश के और वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान उनके तरफ फाइट की हुई थी वरुण बुद्धादेव जो यंग अल्लूरी सीतारामा राजू का रोल प्ले करेंगे अजय देवगन जिनका फिल्म एक एक्सटेंट कैम्योपीरियस देखने को मिलेगा जिनका फिल्म करीबन पंद्रह मिनट जितना रोल देखने सॉरी सात आठ मिनट जितना रोल देखने को मिलता है लेकिन वो रोल काफी इम्पोर्टेंट है एन टी आर रामा जूनियर और रामचरण के ऊपर वाला कुछ कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर ये दोनों एक्टर यानी कि ये दोनों कैरेक्टर है जो कोमराम भीम और अलूरी सीताराम राजू उनके शायद गुरु भी हो सकते हैं या तो उनके उनके ऊपर के लीडर या उनके रोल मॉडल ऐसा कुछ तो दिखाया होगा फिल्म में आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले कर रही है उनका भी कैरेक्टर इंट्रो देखने को मिला था उनका लुक काफी बढ़िया नजर आ रहा है साथ ही में उनके रोल के ऊपर बात करें तो उनको करीबन पंद्रह मिनट तक का स्क्रीन प्रेजेंस मिला है फिल्म में क्योंकि ये फिल्म ज्यादातर कोमराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू के ऊपर फोकस है जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा छोटा लिखा गया है स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम है स्पंदन चतुर्वेदी जो यंग सीता का रोल प्ले कर रही है जो आलिया भट्ट जो सीता का रोल प्ले कर उनका यंग वाला वर्जन स्पंदन चतुर्वेदी उस रोल में दिखाई देती है ओलिविया मोरिस जो जेनिफर के रोल में दिखाई देती है उनका भी एक कैरेक्टर इंट्रो दिया गया था इसके अलावा समूति रकानी का रोल अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है एलसन डूडी जो लेडी स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं, रे स्टेविडसन जो स्कॉट के रोल में दिखाई देते हैं, साथ ही में श्रिया सरन जिनका एक केमी है जो सर के रोल में दिखाई देती है जिनका कैरेक्टर अजय देवगन के साथ सेट किया हुआ है वो हमें जन्नी गाने के दौरान पता चलता है उन उसका जो एक लिरिकल वीडियो आया था तब उनका भी फेस उस पर रिवील किया गया था अरुण सागर जिनका भी फिल्म अपीरेंस है रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है इनके अलावा छत्रपति शेखर राजीव कना राहुल रामाकृष्णन इन जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं लेकिन अभी तक किसी का भी रोल इसमें से डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है तो आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज होगी या ट्रेलर आएगा तब शायद उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है अदरवाइज जो एन टी रामा राव का कैरेक्टर है कोमरम भीम रामचरण का जो कैरेक्टर है अल्लू सीता रामा राजू उनके ऊपर और थोड़ा डीप में पता चल सकता है ये एक फिक्शनल स्टोरी बताई जा रही है राजा मौली ने कहा है कि एक फिक्सनल स्टोरी है जो दो लेजेंडरी रेवोल्यूशनर कैरेक्टर है उसके ऊपर एक फिक्सनल स्टोरी लिखी जा रही है हालांकि फिल्म की स्टोरी ट्रू इंसिडेंट से बेस्ड भी बताई जा रही है तो उनके घर से वो बाहर जब निकलते तो उनकी जर्नी प्रॉपर वे में दिखाई गई है जहाँ पे वो 1920 में अपनी कंट्री के लिए जो फाइट कर रहे जो एक क्रांतिकारी वाला किरदार है उस टाइप की फिल्म की स्टोरी रखी गई है जो फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था वो भी काफी अमेजिंग नजर आ रहा था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार नजर आ रहा था इसके अलावा फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की बात करें तो अक्टूबर 2017 एक इंटरव्यू के दौरान एस राजा मौली ने अनाउंस किया था यानी कि अपना सेकंड प्रोजेक्ट बाहुबली 2 कंक्लूजन जिसके प्रोड्यूसर डीवीवी एंटरटेनमेंट और के, के नारायण थे जो बाहुबली 2 के बाद जो दो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे उसके लिए ये प्रोड्यूसर सेठ है ऐसा उन्होंने अनाउंस किया था फिल्म का नाम प्रॉपर अभी तक नहीं हुआ था। उसके बाद वो बोल रहे थे जो नारायण के प्रोडक्शन के नीचे महेश बाबू के साथ बनेगी जो नवंबर 2017 में राजा मौली ने एन टी आर रामा राव जूनियर और रामचरण चरण के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट शेयर की हुई थी और उन्होंने एक हिंट दी कि वो इनके साथ फिल्म करने वाले उसके बाद फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो मार्च 2018 को की की गई थी और फिल्म को टेंटेटिव टाइटल है वो आरआरआर आर आर दिया गया था के वी विजया प्रसाद जिन्होंने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी हुई है और राजा मौली ने फिल्म की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले को बनाया हुआ है जिसके लिए फिल्म के इन सभी चीजों के लिए छह महीने एक्स्ट्रा लगे थे सितंबर 2018 का महीना तब साईमाधव बुर्रा ने फिल्म के डायलॉग्स के लिए प्रोजेक्ट को साइन किया हुआ था उन्होंने पहले प्राइमरी जो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज उसके लिए डायलॉग लिखे थे इसके अलावा जो दूसरे वर्जन है जैसे कि तमिल वर्जन उसके लिए माधवी करके ने डायलॉग लिखे हुए है वर्धा राजू चिक्का बल्लापुरा जिन्होंने कन्नडा वर्जन के लिए डायलॉग लिखे हुए साथ ही में मोमोकोबू गोपाल कृष्णन जिनको मलयालम वर्जन के लिए चूज किया गया था और रिया मुखर्जी जिनको हिंदी वर्जन के लिए चूज किया गया था और उसके बाद राजा मौली ने अपने जो पहले के प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निकियन थे जो सिनेमाटोग्राफर है म्यूजिशियन है उन्हीं को इस फिल्म में लिया गया है वो ज़्यादातर कंसिस्टेंटली अपने सभी क्रू और कास्ट और टीम मेंबर के साथ टेक्नीशियन के साथ काम करते हुए नजर आए जैसे कि एम एम किरवानी जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा से रहे के के सेंथल कुमार जो हमेशा से डीओपी यानी कि सिनेमेटोग्राफर का काम करते हुए नज़र आते श्रीकार प्रसाद जो फिल्म हमेशा एडिट करते हुए नजर आते साबू श्रेलिक जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर दिखाई देंगे वी श्रीनिवास मोहन जो विजुअल इफेक्ट सुपरविज़न करते हुए दिखाई देते साथ ही में रामा राजा मोली जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के, के लिए काम करते निक पोवेल जो स्टंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी जो कोरियोग्राफी है जो, जो क्लाइम सीक्वेंस है उसके लिए भी उनको ही चूज किया गया है तो इस फिल्म के लिए जितने भी जो टेक्नीशियन है जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादातर राजा मौली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ तक कि फिल्म के जो एक्टर है एन टी आर रामा राव जूनियर रामचरण वो भी पहले काम कर चुके हैं जहाँ पर रामचरण की आपको आप, आपने मकधीरा भी देखी होगी अजय देवगन के साथ उन्होंने मक्खी में काम किया हुआ था काम मतलब कि अजय देवगन का एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है मक्खी फिल्म में तो यानी कि राजा मौली अपने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ ही में टेक्नीशियन उन सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं और उनका जो विज़न है वो काफ़ी हाई लेवल वाला है जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बजट वाला बनता है ख़ास करके जब से बाहुबली सीरीज़ आई उसके बाद उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को काफ़ी ध्यान रहता है अब बात कर लेते फिल्म के डेवलपमेंट की थोड़े आगे की तो फिल्म का जो प्रोडक्शन है रामा राव जूनियर और चरण के साथ एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया गया था यानी जब फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो एक स्पेशल वर्कशॉप स्टार्ट किया था मिड अक्टूबर 2018 को जहाँ पे रामाराव और चरण का जो कैरेक्टर है उनको वो डीप में समझाने के लिए साथ ही में उनको एक फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए अपने रोल के लिए किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है वो डीपली सभी मिलकर एक मीटिंग और एनालिसिस करके उस जो वर्कशॉप है उसके थ्रू कैरेक्टर को पकड़ते उस चीज़ के लिए वो टाइम दिया गया था उसके बाद मार्च 2019 हज़ार जहाँ पे राजा मोली ने रिवील किया हुआ था कि फिल्म का जो कोर आइडिया है जो बेसिक लाइन है वो द मोटरसाइकिल डायरीज दो हज़ार चार की मूवी है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर नजर आ सकता है और उनके जो के, उन्होंने पहले भी ऐसी बात बताई हुई है कि उनकी जो फिल्में हैं उसमें जो फाइट सीक्वेंस होते हैं जो कुछ कैरेक्टर है वो हॉलीवुड मूवी से ज़्यादातर इंस्पायर होकर बनाते रहते हैं और उनका जो कैरेक्टर है छीट उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिवोल्यूशन वाला है जिसको ग्यूरा का नाम दिया हुआ है उन सभी कैरेक्टर के जो प्रोटोग के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो सभी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिल सकती है द मोटरसाइकिल डायरीज और आरआरआर के बीच में इसके अलावा चरण और रामचरण एन उनका जो यंगर वर्जन है जो अल्वरी रामा रजू और कोमरम वीम का जो एंगर वर्जन है उसके लिए बाद में कुछ प्लॉट लिखा हुआ था जिसको दिल्ली में एक्सप्लोर किया जाएगा नाइनटीन के दौरान और उस फाइट के दौरान कंट्री के लिए जो फाइट होने वाली थी उसके साथ में जो स्टोरी की जो एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करा हुआ है वो प्रॉपर वे में उन्होंने सेट किया हुआ है उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिटेलिंग दी हुई थी इसके अलावा जो ये तेलुगु ट्राइबल लीडर है उनके अराउंड जितनी भी घटनाएं घटी हुई है बचपन से अभी ले अभी तक लेकर उन सभी चीज़ों के ऊपर वो डीप स्क्रिप्टिंग करने वाले ये सभी चीजें उन्होंने बताई हुई थी और उनके जो कैरेक्टर है उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ी डिटेल हुई थी दी हुई थी और उन्होंने कहा है कि ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया हुआ है अब उनका नाम टेंटेटिव आर आर रखा हुआ है और उसके बाद राजा मौली ने ऑफिशियल टाइटल अनाउंस करते हुए कहा कि यूनिवर्सल टाइटल इस फिल्म का लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा जिसके लिए फिल्म बड़े स्केल पे एक ही नाम के साथ रिलीज की जाएगी कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उनकी पहली तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट कास्ट की गई है वो कास्टिंग की जो अनाउंसमेंट होती है तब कहा गया था जहाँ पे वो सीता का रोल प्ले कर रही है अजय देवगन का एक एक्सटेंड केम्यू अपीस देखने को मिलेगा जिस तरह मैंने आपको कहा सात आठ मिनट की जितना रोल है इसके अलावा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो भी उन्होंने अनाउंस के दौरान कहा था तमिल एक्टर समुथी रकानी उनको एक क्रिशल रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद कुछ समय के बाद डेजी एच जोन्स को फिल्म के एक ब्रिटिश एक्टर वो ब्रिटिश एक्टर है उनको रामा राव के अगेंस्ट यानी कि उनके अपोजिट कास्ट किया गया था लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते अप्रैल 2019 में वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया उसके बाद ओलिविया मोरिस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नवंबर 2019 को साइन किया गया था और उसी में हॉलीवुड के एक्टर रेश टिवटर जिन्होंने थोर में काम किया हुआ है उनको मेन एंटागोनिस जो स्कॉट वाला किरदार है विलन का किरदार है उसके लिए कास्ट किया गया था और उनके साथ एलिसन डूडी को भी एक लेडीस को उनको लेडी स्कॉट के रोल के लिए कास्ट किया गया था उसके बाद चक्री वरुण बुद्धा देवस पंदन चतुर्वेदी जो एक जो सभी चाइल्ड आर्टिस्ट है और उन्होंने रामचरण एन टी आर भट्ट के यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर भट के, के लिए कास्ट किया गया था और डेडलाइन हॉलीवुड के जो इंटरव्यू आया था उसके दौरान जूनियर एन ने अनाउंस किया था कि वो उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने उसमें बात की हुई थी को मेजर रिसर्च करके पोर्ट्रे कर रहे जिसके लिए उनको उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाने में और आसानी हो और अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको क्रिएट करने में उनको अट्ठारह महीने लगे हुए थे जून दो जून दो को कुछ रिपोर्टर्स ने क्लेम किया था कि अजय देवगन इस फिल्म में नेशनलिस्ट और मेंटर के तौर पे दिखाई देंगे जो कौमरम भीम और अल्लोरी सीताराम मुख्य राजा रामा के नेशनलिस्ट और गुरु मेंटर के रोल में दिखाई देने वाले हैं हंस इंडिया जो एक जिन्होंने रिपोर्ट दी हुई थी कि अजय देवगन सेकंड हाफ में फिल्म के फ्लैशबैक के एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं और उनका स्क्रीन टाइम करीबन 40 मिनट का हो सकता है और उसके बाद कीर्ति सुरेश और प्रिया मनी को कुछ रोल के लिए अप्रोच किया गया था और उसके बाद श्रिया सरन को कास्ट किया गया था जून 2020 में वो कंफर्म हो चुका था इसके बाद अजय देवगन आलिया भट्ट एस एस राजा मोली आर 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 के लिए जो जुलाई 2020 में फिल्म को रिलीज करने वाले थे उनके लिए सभी चीज़, इन सभी कास्ट को बता दिया गया था कि ये फिल्म फिल्म पे आने वाले, तो फिल्म की शूटिंग उस टाइप की कंप्लीट करवाने वाले इसके अलावा बाद में राहुल कृष्णन, छत्रपति शेखर राजीव कना को कुछ सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद फिल्म की डिजाइनिंग प्रोडक्शन डिजाइनिंग के ऊपर काम किया गया और एक प्रॉपर फर्स्ट शेड्यूल फिल्म का सेट किया गया जो हैदराबाद में था जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस भी शूट किया गया था इसके अलावा मदुआ हाउस में कुछ सिक्वेंस के लिए कुछ एक्टर टेक्नीशियन के साथ वहाँ पे काम किया गया था इसके अलावा पाँच मिनट का एक की सीन है उसको भी टेक्नीशियन के थ्रू वहाँ फिल्माया गया था राजा का एक नया ऑफिस है वहाँ पे कुछ क्रू मेंबर के साथ एक लंबी डिस्कशन चली थी कि वो फिल्म का जो प्लॉट है वो जो हाउस है उसके रिगार्डिंग किस तरह से शूटिंग करने वाले इसके बाद जून 2020 में अट्ठारह करोड़ का खर्चा करके एक सेट क्रिएट किया गया था जहां पे एक प्रॉपर विलेज क्रिएट किया गया था लेकिन कोविड 19 के सिचुएशन के चलते वो सभी सिक्वेंस को शूट करने के लिए पोस्टपोन किया गया और उसके बाद रामाजी सी सिटी है वहाँ पे दिल्ली का जो ट्वेंटी सेंचुरी की दिल्ली है उसको दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेट किया क्रिएट किया गया था जिसको बनाने के लिए टोटल पचास दिन का टाइम लगा था और उसके बाद एक्शन शेड्यूल सेट किया गया था जिसमें कुछ नाइट शूट्स भी सेट किए गए थे जिसके लिए काफ़ी ह्यूज सेट क्रिएट किया गया था जहाँ पे डायरेक्टर क्रू मेम्बर कुछ सॉन्ग की शूटिंग के लिए रामचरण और भट्ट के साथ अलिया भट्ट के साथ जो शूटिंग थी उसके लिए एक प्रॉपर सेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसको काफ़ी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक जो दोस्ती गाना है जिसको जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात कर ग्यारह नवंबर 2018 को फिल्म को लॉन्च किया गया था जहां पे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े सितारे जैसे प्रभास राणा दगुपति जो बाहुबली फ्रेंचाइज में दिखाई दिए थे वो प्रिंसिपल फोटोग्राफी के यानी पूजा सेरेमनी के दौरान दिखाई दिए थे इसके अलावा फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया गया जहाँ पे वडोदरा वडोदरा में भी फिल्म को शूट किया गया था हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था करीबन एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्म में हज़ार आर्टिस्ट का यूज़ किया गया था जो फरवरी 2019 में जो शूट हुआ था तब के समय उसके बाद फिल्म का कुछ चीज़ थी जो जो सिक्वेंस थे उसके लिए वडोदरा में फिल्म में फिल्माया गया था उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में कुछ सीन को शूट किया गया था इसके अलावा एनटीआर को कुछ छोटे मोटी इंजरी फिल्म में दिखाई दी थी जहां पे तो उसके चलते फिल्म के शेड्यूल को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो आरआरआर का जो साउंड ट्रैक है उसको इसको क्रिएट किया हुआ है एम एम किरवानी ने और अन्नपूर्णा स्टूडियो के नीचे इसको प्रोड्यूस किया गया था जिसको टी सीरीज़ हिंदी वर्जन में लेबल कर रही है इसके अलावा उसका लहरी म्यूजिक तेलुगु वर्जन को ले, लेबल कर रहा है सभी वर्जन के लिए सभी अलग अलग आपको सिंगर और लिरिक आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं और सभी वर्जन के लिए तीन तीन गाने अभी तक रिलीज करवाए गए जहाँ पे तेलुगु वर्जन की बात करें तो दोस्ती जिसका लिरिक्स लिखा हुआ श्रीनी वेदला सीतारामा शास्त्री ने सिंगर थे वेदला हेमा चंद्र लिरिक्स यानी कि गाने की जो लेंथ थी वो थी पाँच मिनट चालीस सेकंड वहीं पे नाटू नाटू जो दूसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है चंद्र बोस ने सिंगर थे राहुल सिपलुंगजा और काला भैरव और गाने के लें थे तीन मिनट चौंतीस सेकंड चंद जो तीसरा गाना है जिसको लिखा हुआ है एम एम किरवानी जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है गाया भी उन्होंने ये एम एम किरवानी ने गाने की लिए थे तीन मिनट आठ सेकंड इस तरह से बारह मिनट और तेईस सेकंड के सभी वर्जन के आपको गाने सुनने को मिलेंगे साउंड ट्रैक अभी तक बारह मिनट तेईस सेकंड का लॉन्च किया गया है इसके अलावा फिल्म को फाइनल सात जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल करवाया गया है जहां पे आपको ये फिल्म सभी वर्जन में देखने को मिलेगी यानी कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में देखने को मिलेगी जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज है बाकी सब डब वर्जन है ये फिल्म पहले 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में फरवरी 2020 में फिल्म को पोस्टपोन किया गया जहां पे 8 जनवरी 2021 को संक्रांति के मौके पर फिल्म के रिलीज डेट फाइनल की गई थी लेकिन नवंबर दो हज़ार में राजा मोहली ने फिर से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि फिल्म की शूटिंग के वक्त थोड़े बहुत चीज़ें कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते शूट नहीं हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी लेट हो रही तो फिल्म थोड़ी लेट रिलीज़ की जाएगी बाद में पाँच पच्चीस जनवरी दो को रिपब्लिक डे के मौके पर फिल्म को रिलीज़ करने का अनाउंस किया गया लेकिन तब उसके बाद फिल्म की एक नई रिलीज अनाउंस डेट करी गई जिसका डेट था तेरह अक्टूबर दो लेकिन कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते फिल्म को और

प्री रिलीज डील की हुई जो टोटल कुछ रिवील हुए वो 890 करोड़ है जो अभी तक इंडियन फिल्मों में जितनी भी फिल्में उसमें हाईएस्ट है से। डोमेस्टिक थिएटिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है उस रीजन के लिए एक करोड़ में उसके राइट्स बेचे गए जो फरवरी 2021 को पता चला हुआ था उसके बाद लाइका प्रोडक्शन जिन्होंने तमिल वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया हुआ है थिएटिकली उन्होंने 48 करोड़ इस फिल्म की प्राइस से दी हुई है इसके अलावा पेन स्टूडियो ने नॉर्थ इंडिया के लिए जो राइट्स खरीदे हुए पेन मरुधार एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे उन्होंने इस फिल्म के सैटेलाइट डिजिटल राइट्स सभी वर्जन के लिए खरीदे हुए तो नॉर्थ इंडिया थिएटिकल राइट्स उन्होंने 140 करोड़ में खरीदे हुए केरला और कर्नाटका जहाँ पे मलयालम और कर्नाटका में और लैंग्वेज चलती है उस वर्जन के लिए जो थिएटिकल राइट्स है वो केरला के लिए 15 करोड़ और कर्नाटक के लिए 45 करोड़ में बेचे गए थे इसके अलावा ओवरसीज जो राइट्स है फिल्म के रिगार्डिंग उसको फ्रांस फिल्म को बेचे गए जिसका टोटल सत्तर करोड़ में बेचे गए फिल्म की मार्केटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें अलग अलग अपनाई जा रही है जहाँ पे राइज रोल रिवर्ल्ड के नाम से फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा और साथ ही में सभी वर्जन के लिए अलग अलग कुछ नाम सामने आए थे और एक प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन जैसा कुछ उन्होंने शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया हैंडल पे के आरआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है उसके बाद राइज वॉल्ट राइज रोअर रिवोल्ट फिल्म का नाम सेट किया गया था और उसके बाद 2021 मई में पेन स्टूडियो ने अनाउंस किया हुआ था कि तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा सभी के जो राय डिजिटल राइट्स से जी को बेचे गए हिंदी इंग्लिश पोर्टीज कोरियन तर्की स्पेनिश वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे गए इसके अलावा जी नेटवर्क ने इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए स्टार इंडिया नेटवर्क ने इस फिल्म के राइट्स तेलुगु तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन के लिए खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के कंबाइंड डील की गई है जहां पे पोस्ट थ्रेटिकल जो स्ट्रीमिंग राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से तीन करोड़ में बेचे गए इसके अलावा फिल्म के कुछ कैरेक्टर इशू भी किए हुए थे और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बाद में उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया था अब देखने वाली बात यह कि 400 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने पहले ही प्री बिजनेस इतना कर लिया है तो अब थिएटर में बाहुबली की जैसी फिल्मों को हिट करवाने वाले डायरेक्टर राजा मोलिए साथ ही है, साथी में बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सुपरस्टार अजय देवगन सुपरस्टार जूनियर एन टी आर रामचरण ऐसे एक्टर देखने को मिल रही है तो ये फिल्म चार सौ करोड़ के बजट में बनी कम से कम हज़ार करोड़ तो कमा सकती है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये फिल्म आपको कैसे और कितना का बिजनेस करके देती है अगर फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म काफ़ी बढ़िया बिजनेस करेगी और अभी तक राजा मौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उनकी अभी तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फिल्म का प्री बिजनेस काफ़ी हाई है अब बात करें इस फिल्म के रिगार्डिंग और डिटेलिंग दूँ तो इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जैसे कि मैंने बताया कि जी ने खरीदा हुआ है तो जी सिनेमा पे यह फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है टेलीविजन पे इसके बाद हिंदी डब वर्जन नेटफ्लिक्स के पास ओ टी राइट्स है तो पहले उससे पहले ओ टी टी नेटफ्लिक्स के पास है इस वजह से थिएटरिकल रिलीज़ के बाद करीबन एक महीने के बाद ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी और रिस्पेक्टिवली दूसरे दूसरे लैंग्वेज में ये फिल्म भी जिसके जो तेलुगू तमिल कन्नडा और मलयालम राइट्स है वो स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए हैं तो उनके टीवी चैनल पे रिलीज हो गए उसके बाद ओ उनका जो हॉटस्टार है उस पर भी ये फिल्म देखने को मिलेगी दूसरे कुछ है, वर्जन है इंटरनेशनल वर्जन वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगे तो कहाँ पे और कब कैसे रिलीज़ होगी उसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है तो so बस गैज़ आज की वीडियो में इतना ही था यही सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी बातें थी जो स्टोरी एनालिसिस है बुक्स ऑफिस एनालिसिस है इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू